कभी भी उधार लेके निवेश नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कब आएंगे हमें पता नहीं, पर उधार की ईएमआई रोज जाएगी। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया रियल वेल्थ इज डिसअपीयरिंग एंड दिस फेक काइंड ऑफ वेल्थ इज पॉपिंग अप अ लॉट। आज लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे कोई यंग सा लड़का है वो फरारी चला रहा है दुबई में, लम्बोर्गिनी चला रहा है, कोई इंडिया में लड़का है वो बढ़िया बढ़िया गाड़ियां चला रहा है, उसका काफिला चल रहा है। मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिकली, सो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स और फ्रीलांसिंग में लोग काम कर रहे हैं जो 10 20 30 हजार रुपए महीना ऑन एन एवरेज कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर मनी। देखिए, पैसे को पर्पस देना बहुत जरूरी है। पैसे को पर्पस नहीं रहा तो पैसा अनाथ हो जाता है और अनाथ पैसे की कोई वैल्यू नहीं। मैं एक बार रितेश अग्रवाल जी से मिला पीक कोविड में, उनके सारे होटल्स बंद थे, ठीक है, यंग गाय, और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरा दिमाग हिल गया। When you look at people, we have talked about good things we should do, we should do, we should do. Have you come across some patterns ki ye galtiyan hain jo log kar ja rahe hain? Sir, mere saath jo log padhe, all we were from Wellingers, good college, good pedigree, everybody got a very good job. Acha job mila sabko. Sab log aaj anywhere between 4 lakhs a month to 7 lakhs a month ki salary mein. Par agar unki agle mahine ki salary nahi aayi na, wo mar jayenge. Any take on IPOs? Like lot of people, you know, ऐसा feel आता है कि यार IPO में लिया तो instant money और वो वाली बातें लोगों को समझ आती हैं। IPO की एक thesis है, जो अच्छा है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। अभी इसका example बहुत simple है, Paytm। हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा दुगलापन हो गया है बचपन से। हमें बचपन से बोला गया बेटा 10वीं कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है, फिर बोला 12वीं कर लो, लाइफ सेट है, फिर उसके बाद बेटा इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट है, बेटा MBA कर लो, लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में, और ये एपिसोड बहुत ही स्पेसिफिकली आपकी फिनेंस, मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारे चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए हमने डिज़ाइन किया है। सो ऑल दोस पीपल, यू नो, यू फील स्टक फिनेंशियली या कन्फ्यूज्ड हैं आप, हर तरफ एडवाइस ही एडवाइस है, ओपिनियन ही ओपिनियन है, कहाँ पैसे लगाएं, कहाँ पैसे बचाएं, हर कोई अपने अपने फॉर्मूलाज दे रहा है। आज हमारी कोशिश ये है, हमारे जो गेस्ट हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, He has been a finance man for so many years. और आज आपकी फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और चैलेंजेस को हम अगले कुछ मिनटों में दूर करने वाले हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट मिस्टर संजय कथूरिया का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सो हैप्पी टू हैव यू विद अस। थैंक यू दीपक सर, एंड इट इज अ प्लेजर टू बी विद यू। आपको हम देखते रहे हैं YouTube पे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, आपकी ट्रेनिंग्स देखते रहे हैं, एंड इट इज सच अ ऑनर टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सेम हियर, सेम हियर, लाइकवाइज। हमारी जो ऑडियंस है ना, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन पैसा कमाने में लगे हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग से खूब सारे पैसे कमा रहे हैं, दे आर अचीविंग गुड सक्सेस। वी हैव पीपल हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, रियल एस्टेट, एफिलिएट मार्केटिंग। सो हम लोग पर्सनली भी उनको पैसा कैसे कमाएं इस पे बहुत कुछ सिखाते हैं, और बहुत सारे स्किल्स और माइंडसेट बिल्ड करते हैं हम लोगों का। आपसे हम अब इस पैसे को संभाले कैसे, मैं आप इन लोगों की हेल्प कर दो। और अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिकली, सो देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट सेलर्स और फ्रीलांसिंग में लोग काम कर रहे हैं जो 10 20 30 हजार रुपए महीना ऑन एन एवरेज कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर मनी और हैंडलिंग देयर फाइनेंसेस। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे मेरे दोस्तों को बहुत-बहुत नमस्ते है, और मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्स का एक स्कूल है वो। तो बाकी काफ़ी लोगों के काफ़ी विभिन्न विचार होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बट मेरा जो एक पॉजिटिव विचार है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो ये है कि इट इज़ अ स्कूल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इट इज़ अ स्कूल फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस, लर्निंग सेल्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बताता हूँ सर, जीवन में अगर रियली कोई स्किल है जो सीखनी चाहिए एक व्यक्ति को, जो स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो है कि इन्फ्लुएंस कैसे क्रिएट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एनर्जी रूम में कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपर एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं। तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज जैसे कि बिल गेट्स भी कहते हैं कि इट इज 15% स्किल्स एंड 85% इन्फ्लुएंस। तो आपका जितना इन्फ्लुएंस होता है उतना आप बेटर करते हैं। अब आते हैं कि कुछ लोग जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जर्नी को, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि स्कूल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्कूल ऑफ सेल्स, राइट? आप इस बात को थोड़ा और सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, लाइक व्हाट मेक्स यू से दिस? देखिए, मैं काफ़ी नेटवर्क मार्केटर्स से पर्सनली भी मिला हूँ, मैं काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ओनर्स से भी मिला हूँ, मैं सारे स्टेक होल्डर्स से मिला हूँ, मैं बहुत खुश वाली जनता से भी मिला हूँ, डिसग्रंटल्ड जनता से भी मिला हूँ, तो सब सब विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उन सब से मिला। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कैट का जो एग्जाम होता है, जिसमें आईएम की एंट्री होती है, उसमें मेरे हिसाब से 4-5 लाख लोग कैट देते हैं,
पर अच्छे टॉप 10-20 स्कूल्स में मुश्किल से 5,000-6,000 लोग जाते हैं। आईएएस की कोचिंग होती है, 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1,070 या 1,080 कुछ एडमिशन अपना 15 लाख में से। हाँ, 15 लाख में से। आप IITs देखेंगे या फिर टेक्नोलॉजी स्कूल्स देखेंगे तो उसमें भी मोटा मोटी रेशियो यही है। तो होता क्या है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने आज समझिए आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या एलेंस ज्वाइन किया था, तो आज एलेंस 3-4 लाख बच्चों को पढ़ाता है साल में। अब उसमें से क्या सारे IIT में जाते हैं? नहीं जाते। पर क्या एलेंस भेदभाव करता है? नहीं, वो टीचर भी वही देता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देता है, लाइव लेक्चर्स भी देता है, टेस्ट सीरीज भी देता है, माइंडसेट भी डेवलप करवाता है, सबका करवाता है। पर उसी बेंच पे बैठा हुआ एक व्यक्ति IIT बॉम्बे चला जाता है और एक व्यक्ति कहीं नहीं जा पाता और एक व्यक्ति कोई नीचे वाले कॉलेज में जाता है, कोई मध्यम कॉलेज में जाता है। तो यानी कि मैं ये मानता हूं कि कहीं भी ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, ठीक है, इकोसिस्टम की गलती नहीं है। आप उस इकोसिस्टम को सही तरीके से नहीं खा पाए, आप उसमें से बेस्ट नहीं विड्रॉ कर पाए, इट्स योर मिस्टेक, यू हैव टू लुक इनसाइड। और इसलिए आज 3 लाख बच्चे जब एलन से निकलते हैं और उसमें से एडमिशन मुश्किल से 200-300 का होता है, तो वो अपने आप को गाली देते हैं, वो एलन को गाली नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि यार एलन ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, आकाश ने भाई भेदभाव नहीं किया, शायद हमने कोई कमी दी, हम 14 घंटे 16 घंटे नहीं पढ़े, ये नहीं किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही रेशियो है, योर सक्सेस इज ओनली हार्डली 2-3% पीपल, रेस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरी सक्सेसफुल। पर होता क्या कि ये लोग जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग को गाली देने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ सीइंग कि यार इन्होंने क्या बेस्ट यूज किया, क्या उनको डायरेक्शन दिए गए थे वो फॉलो किए, क्या वो 16-16, 18-18 घंटे की शुरू की मेहनत को किया, क्या अपनी एनर्जी रखी, क्या अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, क्या अपने नंबर ऑफ कॉल्स जो करने थे वो कर, जो भी उनका KPI होता है, yes, वो उनको करना होता है। तो अगर आप वो नहीं करोगे और सिस्टम को गाली दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपकी ठीक है। आप एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़े सफरर हो और आपने एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और हमारी स्टॉक मार्केट में भी यही होता है सर, जो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली यही होता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई बिलीव दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्लेस टू लर्न अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज अ प्लेस टू लर्न अबाउट सेल्स एज अ स्किल, इट इज अ प्लेस टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, क्रिएट इन्फ्लुएंस, लर्न हाउ सेलिंग हैपेंस। और सेलिंग ज्यादातर हर इंस्टीट्यूशन में वैसे ही होती है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है। एब्सोल्युटली ट्रू। आप देखिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हर जगह, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को सब गाली देते हैं, मैं कहता हूँ सारे मल्टी लेवल, HUL क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी लेवल। आपका CNF एजेंट है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, सब कुछ है, मतलब वो भी 5-6 लेयर्स में काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। तो एंड ऑफ द डे तो सारे लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इंडिया तक पहुंच ही नहीं सकते। इंडिया सच कंट्री, yes. कि आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी, हर लेवल पे आपको स्टेक होल्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलर इज विद नेटवर्क मार्केटिंग। बट ठीक है, जो जो कुछ नहीं कर पाते फिर वो सिस्टम को गाली देते हैं, जो कुछ कर लेते हैं वो जम के पैसा कमाते हैं। Many success stories also in network marketing. So that makes me says ki, correct. I believe that this is an institution to create a personality. कई बार ना मुझे लगता है, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने 11 साल एक्टिवली किया है, 2007 से 2018 तक, और मैं हमेशा एक चीज बोलता था, इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज इस बिजनेस की बदनामी का सबसे बड़ा कारण है। एडवांटेज है फ्री एंट्री, आपने कुछ साबुन शैम्पू टूथपेस्ट शॉपिंग वोपिंग करी और आप एसोसिएट आप बन गए, राइट। और क्योंकि फ्री एंट्री है ना, तो फिर कोई भी आ जाता है। और लेकिन एक जॉब में 10-15 हज़ार रुपये की जॉब के लिए भी 100 लोग अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें से चुना जाता है, इंटरव्यूज होते हैं, GDs होते हैं, दुनिया भर का तामझाम होता है, तब जाके वो बंदा जॉब में आता है। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, उससे पहले 2-3 साल की डिग्री करता है, उससे 4 लाख रुपए खर्च करता है एलिजिबिलिटी के लिए, कि वो अप्लाई कर सके। तो यहाँ पे कोई भी आए सबका स्वागत है। तो आने के बाद उन्हें भी पता चलता है कि कहाँ आ गए, और हमें भी पता चलता था कि कहाँ इनको कैसे ले आए और क्या एक्सपेक्टेशंस है। और ये जो फ्री एंट्री है ना, इसकी वजह से यू नो दैट बैकलैश बोल लीजिए या नेगेटिविटी बोलिए, या लोगों को ऐसा लगता है कि आई थिंक ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा देखना चाहिए कि अगर वो किसी प्रकार का कोई एंट्री क्राइटेरिया लगा सकें तो डेफिनेटली आई थिंक बेनिफिट होगा, बेटर हो जाएगा सिचुएशन। बट आई थिंक सबके अलग KPIs हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, राइट, वो रहता है। चलो फिर भी आप और मैं दोनों इस बात पर तो एग्री करते हैं कि बिजनेस बहुत कमाल का है और बहुत कुछ देता है लोगों को। आई हैव इवन रिटन अ बुक ऑन दिस, 31 रीजंस व्हाई एवरीबडी शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग अदर देन मेकिंग मनी। तो 31 कारण में सेल्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग, टीम मैनेजमेंट। देखिए, आप आज एक बिजनेस चालू करते हैं तो आपके GST रजिस्ट्रेशन, ROC रजिस्ट्रेशन, ये सब करने में 50-60 हज़ार रुपए चले, ठीक है, और उसके बाद दुनिया भर का रिस्क है। यहाँ पे आपको बिजनेस, अगर आप इसमें माइंड फ्रेम में घुसे ना कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ये तनखा वाला सिस्टम नहीं है कि यार पहले महीने से मेरे को 2,000, 10,000, 20,000, 30,000 आने लगे, तो आप बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें लेके आ सकते। पर एक्सपोनेंशियल का ना ग्राफ जो होता है उसमें एक प्रॉब्लम है,
एक्सपोनेंशियल का शुरू का ग्राफ ना ऐसे होता है और फिर वो ऐसे जाता है। ये जो शुरू का पार्ट है ना उसमें आधे लोग ध्वस्त हो जाते हैं, आधे क्या, और हमारे कंपाउंडिंग में भी यही प्रॉब्लम है राइट, कि कंपाउंडिंग में लोग वेट नहीं कर पाते, कंपाउंडिंग किक इन करती है तब तक तो 90% वो कितना ना सुपड़ा साफ हो गया, जनता भाग के चली जाती है। तो दिस इज द कंसर्न। देखो हमने मेन बात अभी तक संजय शुरू नहीं की करनी, लेकिन आपने फिर भी तीन बार मुझे कंपाउंडिंग का नाम ले दिया, एंड आई एम सीइंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, एवरीवेयर कंपाउंडिंग इज लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग, बट एट द सेम टाइम आई फील देर इज समथिंग इन पीपल जो मेक मनी क्विकली, गेट रिच क्विक, और मैं रिटायर होना है 2 साल में, 21 में मिलेनियर, राइट? व्हाई डू यू थिंक दिस इज कमिंग सो मच टू दिस पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन, की कंपाउंडिंग की जितनी ज्यादा बात हो रही है उतना दूसरा ट्रेंड भी बढ़ रहा है कि जल्दी अमीर बनना है, पैसे खूब सारे कमाने हैं। आर पीपल मिसिंग समथिंग, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, इवन इन स्टॉक ट्रेडिंग ऑल्सो, यू नो, लाइक ऑल काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, एवरीबडी इज इन अ रश, यू नो, कल बना लूं पैसे परसों, और इसके लिए वो ट्रैप भी हो जा रहे हैं, स्कैम भी हो जा रहे हैं। सो वट इज creating this, what is the mindset that is creating this psyche of jaldi 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 wala? Yeah, single answer is FOMO, fear of missing out. Aaj log dekhte hain Instagram pe koi young sa ladka hai, wo Ferrari chala raha hai Dubai mein, Lamborghini chala raha hai, koi India mein ladka hai, wo badhiya badhiya gaadiyan chala raha hai, uska kafila chal raha hai, aur koi trader hai jo promise kar deta hai ki main 10,000 rupaye se aapko 10 crore rupaye tak leke ja sakta hu kyunki main gaya hua hu, to aap wo sapne mein aa jate ho. तो ये जो फोमो है ना, ये सिंगल बिगेस्ट फाइनेंशियल स्किल है कि आपके पास फोमो ना हो, ये एक्चुअली सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल फोमो ना होना है, बाकी सब नहीं है, बाकी सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। फाइनेंस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स जो हमने 6th-7th में पढ़ी थी। मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स इज मोर टेक्निकल, लुक एट फाइनेंस, फाइनेंस इज अ प्योर मैथमेटिक्स, एब्सोल्युटली ट्रू। तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फोमो, पहला जो रीजन मैं कहूंगा वो पहला, और मेरे हिसाब से 80% रीजन यही है। दूसरा रीजन है कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो ये वाली जनरेशन खासकर, दे आर नॉन कमिटल इन नेचर। सो व्हेन आई से दे आर नॉन कमिटल, आज अगर उनको किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दो, बोल बेटा तेरे को 1,000 दिन मेहनत करनी है, तेरे को 1,000 दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ही कैन नॉट कमिट, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू कमिट। उसको इमीडिएटली कुछ चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, ही इज नॉट रेडी टू वेट फॉर लेट्स से फर्स्ट 100 डेज एंड सी प्रोग्रेस, की चल प्रोग्रेस आएगी, प्रोग्रेस देखता हूं मैं, तो वो 1,000 दिन तक वेट करने को तैयार नहीं है। और दीपक जी, इस दुनिया का उसूल है 1,000 दिन, अगर आप कुछ नहीं कर पाए कंसिस्टेंटली तो वैसे ही आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपका 1,000 दिन वाला रूल तो हर जगह लगता ही है, चाहे वो आप बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, कहीं भी ले लो। तीसरी चीज मुझे ऐसे लगती है कि जो सिस्टम से चलता है लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो सिस्टम से नहीं चलता उससे उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये बात आप फिर से बोलिएगा। तो आपने बोला फर्स्ट इज फोमो, मेजरली फोमो, फोमो, एंड नंबर टू इज व्हिच यू जस्ट सेड, तो एक हो गया फोमो और एक हो गया नॉन कमिटल, नॉन कमिटल, राइट? 1,000 छोड़ दीजिए लोग, 1,000 दिन छोड़ दो, 1,000 घंटे भी देना नहीं चाहते, सीखने के लिए देना नहीं चाहते, मतलब दे डोंट वांट टू से कि चलो ठीक है, आज मैं लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक कंपनी एक्स ज्वाइन करी और मैंने अपना फेथ डेवलप किया कि भाई मैं इस कंपनी में कुछ कर सकता हूं, मैंने 10 लीडर्स को देखा जो आज महीने का 5-5 लाख, 6-6 लाख कंसिस्टेंटली बना रहे, दे स्पेंड 5-6 इयर्स, 10 इयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, and they're consistently making that kind of money, so let me also spend at least first 1,000 days and see whether I hit a 1-1.5 lakh mark, because in job aap nahi pahunch pate wahan tak, itna आप 20,000 से जॉब करते हैं, 3 साल में 1-1.5 लाख होना थोड़ा मुश्किल है, बट इधर मेरे को लगता है कि देयर इज अ गुड चांस कि आप वो कर पाओ। तो आई थिंक दैट इज द सेकंड थिंग जो मैंने कहा कि नॉन कमिटल नेचर में। तीसरा मैंने कहा कि जो सिस्टम से आता है वो एक्सेप्टेबल होता है, और जो सिस्टम से नहीं आता वो नॉन एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो सिस्टम से जो आता है ना उससे कोई उम्मीद ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल के बाद मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज के बाद मैं बीकॉम करूंगा, और उसके बाद मुझे 20,000 की नौकरी मिलेगी, ये एक्सेप्टेबल है, दिस इज प्योरली एक्सेप्टेबल, बिकॉज दिस इज, ये हमारे दिमाग में एंग्रेन कर दिया गया कि बेटा यही होगा। पर आज अगर कोई 18 साल का लड़का है वो बोले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूं या मैं ट्रेडिंग में आता हूं, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, उसको अगले दिन पैसा चाहिए, तो वो पहले सिस्टम, परफॉर्मेंस प्रेशर है क्या, ये प्रूव करने का प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, ये है कि देखो मैं सिस्टम छोड़ रहा हूं ना, तो मेरे को सिस्टम से बेटर रिवॉर्ड्स चाहिए, क्योंकि मैं वो प्रोवन सिस्टम छोड़ रहा हूं, तो मेरे को सिस्टम से 10x बेटर रिटर्न्स चाहिए। सर, लोग आज स्टॉक मार्केट में आके ट्रेडिंग करते हैं, पहले दिन वो सोचते हैं कि मैं आऊंगा, बाय का बटन दबाऊंगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, सेल का बटन दबाऊंगा स्टॉक नीचे चला जाएगा, तेरी पूछते हैं कि मार्केट हुआ रही हूँ, मतलब तुम्हारा कोई वक्त ही नहीं है ना, तुम इतनी बड़ी मार्केट में तुम कुछ भी नहीं हो, बड़े बड़े हार गए इस खेल में, थोड़े पागल खाने गए, थोड़े जेल में, तो तुम कौन हो? बिल्कुल सही बात है। बट हुआ क्या कि ये लड़का आया, इसने बोला यार मैंने सिस्टम का जो जॉब था ना वो छोड़ दिया है, कि मैं 21 साल तक काम पढ़ाई कर लेता, 21 साल बाद मुझे 20,000 की नौकरी लगती, मैं उसमें 16 घंटे काम करता, सैटरडे भी काम करता, संडे भी काम करता, इस उम्मीद में कि अगले साल मेरी 10% की पे हाइक होगी, तब मैं तैयार था करने को,
सिस्टम से आ रहा था, बट मैंने सिस्टम छोड़ दिया ना, तो मुझे कल के कल 1,00,000 रुपए कमाने हैं, परसों के परसों 2,00,000 रुपए कमाने हैं। तो जो सिस्टम छोड़ते हैं वो हीरो होते हैं और पैसे खूब कमाते हैं, ये एक हाइप उसने ये बन गई ऐसा। आज अगर मैं कहता हूं कि बिल गेट्स ने सिस्टम छोड़ के वो किया, क्या कहते हैं, एंटरप्राइज क्रिएट करी, तो वो एक आउट ऑफ कितने मिलियन, ठीक है, बट ये सेम चीज सारों से नहीं अप्लाई हो सकती, बिकॉज गेम स्किल का नहीं, मानसिकता का है। तो आपने अगर मानसिकता ये रखी है कि मैं पैसे कमाने उतर जाऊं, आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आप पहला दिन अगर आपने पैसे कमाने का सोच लिया, तो वो देखो थ्री इडियट्स में भी वही सेम डायलॉग था, यू चेज एक्सेलेंस मनी विल चेज यू, राइट, हर जगह यही चलता है सर। आज मैं भी यही बोलता हूं, क्या होगा ना कि जो बोलता है वो कुछ कर चुका होता है जीवन में, तो ये बोलते हैं यार ये कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, भाई आप कर चुके हैं इसलिए तो बोल रहे हैं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि हम कुछ कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो भाई सुन लो, तो हमने कुछ अचीव किया तो उसको फॉलो कर लो। तो सर जो पहले दिन पैसे के लिए काम करेगा, जो इस प्रेशर में काम करेगा कि मेरे को कमाई करनी है, कमाई करनी है, कमाई करनी है, वो सिर्फ कमाई, मतलब ठीक है कमाई एक पार्ट हो सकता है, बट सिर्फ कमाई के एंगल से देखेगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो जॉब में हो, चाहे एंटरप्राइज में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, बिकॉज ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। You have to realize the winners are only 5% to 10% in any field. Sir, job कितने लोग join करते हैं, CEO कितने लोग बनते हैं, है ना, क्या रेशियो है? अच्छा CEO बनने को टाइम कितना लगता है, 20-20 साल लग जाते हैं, 25-25 साल लग जाते हैं, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, नहीं बन पाते CEO, या कुछ बन पाते हैं तो वो 50 की एज वाला CEO हो ना अगर, तो उसे यंग बोल देते हैं, यंग CEO है भाई, मतलब 50-50 की उम्र के आसपास हो तो यंग बोला जाता है। तो यानी आप समझो कोई भी, अच्छा अब what can make it good for you is how much time you spend in the market. किसी भी मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितना समय निकाल रहे हो, आप ट्रेडिंग में हो आप कितना समय निकाल रहे हो। आज लोग देखते हैं बहुत अच्छा फेमस इन्फ्लुएंसर है जो पैसा कमा रहा है, उसकी बैक जर्नी देख लो, वो 4 साल से ट्रेड कर रहा है, पहले ट्रेड्स में उसको नेगेटिव हुआ था, उसने अपनी मानसिकता बिल्ड करी। सर आज कौन 20,000 रुपए माइनस हो जाए ना, लोग रो पड़ते हैं, हमने 20-20 लाख माइनस देखा है। तो वो हमने जिगरा लेके आए, अपने मानसिकता बिल्ड करी, उसके बाद उसको ठीक है, और आज हम एक तरीके से कर पाते हैं। तो मेरे को आज 18 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, मैं 2006 में पहला शेयर खरीदा था जीवन का, जीएमआर इंफ्रा का, 2006, टुडे इट्स 2024, 18 इयर्स इन द मार्केट आई हैव स्पेंट, आई हैव लॉस्ट मनी, आई हैव गेन मनी, आई हैव लॉस्ट मनी, आई हैव गेन मनी, देन आई फाउंड आउट कि ये 2-3 चीजें हैं जो चलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। मेरी 10-15 साल की इजाद है, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, right. और इसमें मैं गलत हूं आपसे ऐसा कुछ है ही नहीं, जो जिसको भाई वो करे, इसमें ये वाली स्ट्रैटेजी। हाँ ब्रॉडली हम बता सकते हैं कि थीसिस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उसके अंदर आपको खुद की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। आप संजय की बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डेनिस रिचर्ड्स बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी लिख दूंगा ना, तो भी लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है और परसिस्टेंस नहीं है। तो आज अगर दीपक बजाज जी इतने सालों से MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, आप एक मैनुअल बुक बना दो, वो पढ़ने के बाद क्या गारंटी है कि वो बंदा फिर भी सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। इसमें आपकी बुक की गलती नहीं है, इसमें गलती है कि उसमें खुद में डिसिप्लिन और परसिस्टेंस नहीं है। पर इट इज वेरी इजी टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स एंड से यार सिस्टम खराब था, नेटवर्क खराब था, मार्केट सी ऐसी, मार्केट सट्टा है, बट अरे सट्टा है तो हम लोग तो कमा रहे हैं और कमाने वाले कमा रहे हैं मार्केट, तुम बोलते रहो सट्टा, क्या फर्क पड़ता है? सेम इज विद नेटवर्क मार्केटिंग, तुम गाली देते रहो सिस्टम को, क्या फर्क पड़ता है? वहां तो लीडर्स कमा रहे हैं, कोई डायमंड कमा रहा है, कोई कोई जो भी उनके इट इज अबाउट मानसिकता। जो आपने क्वेश्चन पूछा था, फोमो सबसे बड़ी चीज है, फोमो सब लोगों को सुपर वेल्दी सुपर फास्ट बनाने के लिए प्रेरणा देता है, नॉन कमिटल नेचर उनको सपोर्ट नहीं करता, और सिस्टम क्योंकि वो छोड़ के आए हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। और वॉरेन बफे कहते हैं अगर आपको कोई भी रिश्ता लंबा चलाना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उससे जीरो है, उस रिश्ते से, वो रिश्ता लंबा निभेगा। जीरो का मतलब है बेयर मिनिमम कर दो, मतलब अगर मैं स्टॉक मार्केट में, तो आप ये मत सोचो मैं सालाना डबल करूंगा, हाँ ये सोचो कि मैं सालाना 12-14% का रिटर्न कमाऊंगा, तो लंबे समय कमाता रहूंगा। पर अगर आप दोगुना क्या होगे, तो आधे साल में छोड़ के चले जाओगे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी कि आप आगे मार्केट में पैसा कमा सकते थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए सर क्या, 50 ओवर का मैच है, पहले ओवर में आप आया, अभी जमे तो होनी पिच पे, आपने बल्ला घुमा दिया, आप आउट हो गए, तो यू हैव मिस्ड 49 ओवर्स। बट यही अगर आप पहला एक दो ओवर टिक टिक टुक टुक करके थोड़ा पिच को समझते सब Correct. समझते तो आपके पास 48 ओवर थे, आप अच्छे से खेल के पैसा उसमें रन्स बना सकते। राइट, सेम गोज हियर सर। यू हैव एनी टेक और एनी सॉल्यूशन ऑन दिस की फोमो, नॉन कमिटल नेचर एंड एक्सपेक्टेशन, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम, यू हैव यू नो यू आर अ रेबल, राइट, सो यू आर प्राउड ऑफ दैट। ये चीजें आपको ना अफेक्ट करें और आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलें,
Right. You have any input or any take on this? How somebody can get that perspective or develop that in their nature or mindset? बहुत simple इसका answer. Knowledge 2006-08 में जब मैंने start किया था जितनी available थी उससे आज multi crore times ज़्यादा है. हर platform पे available है. अच्छे अच्छे speakers हैं. अच्छे लोगों ने अपनी ज़िंदगी share की है. Plus अगर आपको जैसे investments में तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप Warren Buffett की कोई भी book पढ़ लो. तो आपको वो guideline दे देगी. It's like a Bible for हमारे लिए भगवद गीता है. कि बस हम लोग कहते हैं कि अगर वॉरेन बफे साहब ने कुछ कहा है तो वही टूट सकता है, क्योंकि उस आदमी ने 60 साल की उम्र तक $1 बिलियन बनाया था और 60 साल से 90 साल की उम्र में $150 बिलियन बनाया, यानी उनकी वेल्थ का मोर देन 99% 60 के बाद आया. वो अभी भी वैलिड है उनकी बातें? बिल्कुल वैलिड है. ऑल वेदर है वो. ऑल वेदर. हिज स्टॉक्स आर ऑल वेदर. टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आ गए, कुछ भी आ जाए, क्रिप्टोस आ गई, इट्स ऑल वेदर. अच्छा, इट्स ऑल वेदर. देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक मौके जिंदगी में आते रहेंगे, बिल्कुल आते रहेंगे. अचानक से वॉर हो गई तो गोल्ड महंगा हो गया, किसी ने गोल्ड में खरीद लिया, उस टाइम फायदा कर लिया. अपॉर्चुनिटी, पर आप पिच पे रहोगे तो अपॉर्चुनिटी आएगी ना. आप पिच से बाहर हो गए तो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? अब आपने पहले हमारे टाइम पे वो ग्लेन मैकग्रा होता था, एक बॉलर. यस उसको खेलना नामुमकिन था. वो इतनी सीधी लाइन पे डालता था. बिल्कुल सही बात है. सचिन तेंदुलकर एक बार के लिए हिला रहता था कि यार क्या कैसे खेलूं. अगर मैकग्रा का ओवर चल रहे हैं 5 तो उसको टुकुर टुकुर करके निकाल दो. फिर आपको कोई हल्का बॉलर मिलेगा, उसको तोड़ो पकड़. बिल्कुल सही बात. तो आप अगर मार्केट स्टफ है तो आप मार्केट स्टफ है तो आप नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो, बैटिंग करो. उसके बाद मार्केट जब थोड़ी इजी होंगी, आपको टाइम मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा, तो आप कर लोगे. तब तक आप सीखो. मैं एक बार रितेश अग्रवाल जी से मिला, पीक कोविड में उनके सारे होटल्स बंद है, ठीक है, यंग गाय. और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरा दिमाग हिल गया. तो मैंने बोला, सर प्रॉब्लम है इस टाइम और ये सब, वो सब कैसे आएगा? बोलता है, देखो, व्हेन द सीज आर रफ द फिशरमैन शुड शार्पन देयर सॉ. मतलब सी रफ है, अब मैं कुछ तो कर नहीं सकता इसका. समंदर रफ हो गया, मैं थोड़ी पकड़ कंट्रोल, मेरा क्या वक्त है. पर मैं बैठ के अपनी सॉ ठीक करता हूँ, क्योंकि जैसे वो शांत होगा तो मेरे को मछली, ज्यादा मछली मारनी है. तो आपको भी यही देखना है. कभी कभी टाइम देखो, हम लोग ट्रेडिंग में ये सिखाते हैं कि कभी कभी ना ट्रेड करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्योंकि आप जीरो बार निकलोगे. कभी कभी ना ट्रेड करना भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है. फिनोमिनल है. तो हमारे लिए भी, हर व्यक्ति के भी लाइफ में, हर ओवर में छक्का मारना, हर महीने एक ऐसा कुछ करना या फिर उस चीज का स्ट्रेस लेना, वो नहीं करना चाहिए. एक 50 ओवर के मैच में हाइपोथेटिकली 1800 रन बन सकते हैं. एम आई राइट? 300 बॉले हैं, मैक्सिमम 6 रन पड़ते हैं बॉल पे. तो 1800 रन हाइपोथेटिकली बन सकते हैं. बनते कितने? 250 से 350. बेस्ट केस में 350, एवरेज केस में 250. तो यानी कि आपके जीवन में भी आपको ये लगेगा कि आप बहुत पैसा बना सकते हो, पर आप बनाओगे एक नंबर और वो नंबर काफी होगा. 250-350 का भी स्कोर काफी होता है. अच्छा चेज मिलता है उसमें. और जितने भी मैच जीते गए होंगे आज तक, वो जीतने वाली टीम ने बनाए तो 250-300 ही होंगे. 250 ही होंगे, 350 होंगे, जबकि 1800 का फुल कैपेबिलिटी था. यानी कि आप 1800 का 20% होता है 360, यानी आप 20% पे भी नहीं यार तो भी मैच जीत रहे हो. वो जो सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, माइकल जॉर्डन, 15 टूर्नामेंट्स खेले, 6 जीते 9 हारे, फिर भी वो माइकल जॉर्डन है. कम जीते ज्यादा हारे, फिर भी वो माइकल जॉर्डन है. तो आपको ये सब, आपके लिए एक सक्सेस कोई आ गई ना, वो आपके 9 फेलियर्स को ओवरकम कर जाती है ऐसे. तो यू हैव टू वेट फॉर दैट. सब वो थॉमस एडिसन को पूछा था ना कि अब बोले मेरे को तरीके मिल गए कि भाई कितना फेल हो सकता है, बल कैसे नहीं बन सकता. तो यू हैव टू ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट. अगर आप ये सोचोगे कि मैं हर ओवर में उतर के छक्का ही मारूंगा, एक छक्का एक चौका मारूंगा, देन आप आउट होगे, डिप्रेशन में जाओगे और फिर उसके बाद आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे. तो पहली है, अपनी संगति बदलो. दूसरा है, जो व्यू कर रहे हो उसको बदलो. आप ये फोमो वाले क्रीचर्स को देखो ही मत, जो अरबपति बन के दिखा रहे हैं आपको, मैं 20 साल का हूं और मैं फरारी में चल रहा हूं, उन सबको देखना बंद कर दो. आप वो पोजीशन में नहीं पहुंच सकते, और वो उस पोजीशन में किस लिए हमें पता नहीं है. तो पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने 18 से 21 तक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली जो आज अवेलेबल नहीं है. आपको नहीं पता. डोंट कंपेयर देयर लाइफ विद योर्स, ठीक है. एंड स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, स्टार्ट रीडिंग बुक्स ऑफ पीपल हु हैव बीन लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल. ये एक टेस्ट, लाइफ इज अ टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच की तरह खेलो और फिर अपने गोल्स बनाओ कि ओके 5 साल बाद यहाँ, 10 साल बाद यहाँ, 15 साल बाद यहाँ, 20 साल बाद यहाँ, फिर अपना उसके लिए प्लान बनाओ कि ये गोल मैं ऐसे अचीव करूँ. फिनोमिनल है, फिनोमिनल, वंडरफुल पर्सपेक्टिव यू गेव, वंडरफुल है. नाउ कमिंग टू मनी मैनेजमेंट, तो एक 20-30,000-40,000 रुपये तक कमाने वाला एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, फ्रीलांसिंग में हो सकता है, इवन जॉब में भी हो सकता है. व्हाट इज योर टेक ऑन हाउ दे शुड मैनेज देयर फाइनेंसेस और पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, क्या बोलेंगे आप?
देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा कि नो वेयर यू आर। तो आज आप कहां पे हो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास आपके प्रेजेंट डे असेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, इसका कुछ एक लिखा जोखा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है। एसेट आप 20-25 साल के वैसे आपके पास क्या ही होगा, ठीक है, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो क्या ही होगा। तो एक पेपर पे लिखो, ये ना आदत बनती है। मैं एक बार एक बिजनेस को कोच कर रहा था, तो बिजनेस का वैल्यू अराउंड 1,000 करोड़ रुपीज। तो बोलते हैं कि मेरे को ना लिस्टेड बनना है कंपनी को और 10,000 करोड़ की हम जाएंगे। मैंने बोला सर पूरा पॉसिबिलिटी है आपका, लुकिंग एट योर नंबर्स मे बी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स यू कैन एम दैट। तो बोलते कि संजय जी आपका क्या एडवाइस रहेगा मेरे को। मैं बोला सर लर्न हाउ 10,000 करोड़ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स बिहेव। 10,000 करोड़ की कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बिहेव कैसे करता है, उसका तरीका क्या है बात करने का, आप वो सीखना चालू करो। क्योंकि आप अगर आज से वो करोगे ना, तो उस दिन देखिए उस दिन अचानक से आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते कि आप 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई, अब मैं सीखूंगा कि एक 10,000 करोड़ का MD कैसे बिहेव करता है। अब आप नहीं सीख सकते, आपका टाइम चला गया क्योंकि आप एक ट्रेडमिल पे हो। तो आज से आप सीखो कि 10,000 करोड़ का अगर आपको विजन है कि मेरे को लिस्टेड कंपनी बनना है, तो एक लिस्टेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे रिपोर्ट्स देखता है, कैसे इन्वेस्टर्स को डील करता है, क्या प्रेजेंटेशन देता है, खुद क्या पहनता है, ये सारी चीजों को फॉलो करो। इसी तरीके से अगर आपको इंडिविजुअली भी सक्सेसफुल बनना है, तो आज से अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाना चालू करो, P&L बनाना चालू करो। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है और मुझे क्या देना है। मेरे पास समझो एक घर है, मेरे पास कुछ FD में पैसा है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास कुछ सोना है, ये आपके पास आपकी चीज है। लोन अगर लायबिलिटीज आपको कोई उधार देना है, आपको किसी प्रकार का कुछ पेमेंट्स करनी है, वो उधार है। तो हर जैसे मेरी खुद की पर्सनली हर महीने P&L और बैलेंस शीट बनती है, मैं बनाता हूँ, अब एकदम बनाता हूँ मेरे पास क्या क्या असेट्स हैं, मेरे पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं, और P&L यानी इस महीने मैंने कितना कमाया और कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, और कितना खर्च किया मुझे पहले पता होता है क्योंकि वो मेरा बजट होता है। तो बिना बजट के आपके जीवन का आधार नहीं बनेगा। तो बजट जो है आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप बजटिंग ही होता है कि आप बजटिंग, क्योंकि दैट टेल्स यू वेयर यू आर टुडे। एट एवरी लेवल वी शुड डू इट। यस, एट एवरी लेवल। आपके पास 100 करोड़ है, आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास 1 लाख है, आपके पास 10,000 है, आपके पास बजट होना चाहिए। आज रिलायंस भी बजटिंग पे चलती है, अडानी भी बजटिंग पे चलती है, सब लोग बजटिंग पे चलते हैं, बिना बजटिंग के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती। दीपक जी आप भी अपनी कंपनी चलाते हैं तो देखते ही होंगे ना मेरी तनख्वाहें कितनी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना, ये सब आपको अगले महीने का पता होगा। मोटा मोटी इतना पैसा जाना है, समझो 10 लाख जाना है, तो मुझे 10 लाख से ऊपर इनकम चाहिए, ठीक है, मेरे को 15-20 लाख की इनकम मिनिमम चाहिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, 15-20 लाख का इनकम चाहिए ताकि मैं अपनी कॉस्ट कवर कर सकूं और कुछ मुनाफा निकाल सकूं, और उस मुनाफे का फिर आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सकूं। तो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल को भी फॉलो करना पड़ता है, खासकर एक फ्रीलांसर अपने आप में बिजनेसमैन भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए आपके खर्चे कहाँ हैं, मेजर खर्चे कहाँ हैं, माइनर खर्चे कहाँ हैं, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हैं, पीरियोडिक एक्सपेंसेस क्या हैं, कब कब आपको कुछ कार की इंश्योरेंस भरनी है, कब कब कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा एनुअली भरना है, कब कब आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी का महीने का पेमेंट करना है, ये सारी चीजें आपके पास रखी होनी चाहिए। तो ये आपका बनता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर एक बंदा 25-30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है आज, तो पहले उसको अपना बजट पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा पैसे बचेंगे कितने। तो पहला स्टेप ये है। उसके बाद जो उसका पैसा बचा, उसमें शुरू में अगर आप बहुत यंग हैं अभी, तो कोशिश कीजिए कि आपका इंटेलिजेंस पे ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा रिटर्न्स किसी का नहीं, कोई स्टॉक का नहीं। ये बात आप, हाँ ये बात जरूर आप थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। आपने पहले मुझे, हाँ मैं आपको यू नो बिफोर द पॉडकास्ट आल्सो यू वर टेलिंग मी सी आई एम अ फर्म बिलीवर दैट अगेन हमारे साथ ना एक बहुत बड़ा दुगलापन हो गया है बचपन से। हमें बचपन से बोला गया बेटा 10वीं कर लो उसके बाद लाइफ सेट है, फिर बोला 12वीं कर लो लाइफ सेट है, फिर उसके बाद बेटा इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट है, बेटा MBA कर लो लाइफ सेट है। सो एट एवरी पॉइंट वी वर पुश्ड टू कंप्लीट द एजुकेशन, कर ले बेटा कर ले, यू नो वी वर नेवर टॉट दैट एजुकेशन और लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो जैसे ही हमने MBA पार करी तो हमें लगा कुछ भगवान हो गए, हमें सब आ चुका है, देन वेलकम टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको रियलाइज होता है आपको कुछ भी नहीं आता, बट आप इस माइंडसेट पे हो कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, तो आप इतनी बड़ी कश्मकश में आ जाते हो ना कि आप अपनी ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। फिर आपके लिए 1,000 रुपए स्विगी को देना तो ओके होता है, पर 500,000 रुपए का उडेमी पे कोर्स नहीं ले सकते आप। अरे यार कौन लेगा, मैं देखता हूं मेरे दोस्त लोग हैं कुछ 2-2 लाख रुपए का बैग ले लेंगे, पर उनको बोलो ना 10,000 रुपए का कोर्स लेना है तो उनका मतलब ऐसे लगता है जैसे उनको कोई आपने उनको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो जाता है। तो ये मानसिकता शो कर, एंड दे आर शॉक्ड एक्चुअली कि 10,000 रुपए कोई कैसे किसी इवेंट की टिकट में या किसी कोर्स में लगाता है। मैं बता रहा हूं उस जगह से ज्यादा अच्छी आपकी लर्निंग हो ही नहीं सकती, उस जगह से ज्यादा प्यारी आपकी लर्निंग हो ही नहीं सकती कि आप जब निवेश करते हो, एक तो आप कमिटेड हो जाते हो, 2,000, 5,000, 500 जो दिया, जो भी लेवल का इवेंट, कुछ इवेंट्स में 10,000 होता है, कुछ में लाख भी होता है, कुछ में 10 लाख भी होता है, तो लोग देते हैं पैसा। तो आप अगर एक इवेंट पे जा रहे हो और आपने वहां पे तय कर लिया मैं 4 बड़े इन लोगों से मिलकर नेटवर्क कर लूंगा, तो आपका तो वहां भाग्य खुल गया ना।
इसी तरीके से पूरा आपने उडेमी का 500 रुपए का भी एक कोर्स कर लिया तो उसमें से दो लर्निंग भी लेके गए तो आपका तो 500 रुपए कितना बड़ा वसूली दे गया। तो माय पॉइंट इज कि शुरू के पार्ट ऑफ लाइफ में रादर अगर कंटिन्यूअसली हो सके, जैसे मैंने एक रूल बनाया था क्योंकि मेरी इनकम का 5-10% मैं सालाना कोई नया कोर्स करूंगा, तो मैंने CFA करा, CFA 1.5 लाख रुपए एट दैट टाइम विच वॉज वेरी हाई फीस फॉर मी, तो 1.5 लाख रुपए मैंने उसके लिए दिए, CFA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री चालू कर दी, उसके बाद मैंने एक्सेल के 3 कोर्सेज किए होंगे, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स किया, उसके बाद मैंने इसको कहते हैं क्या कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया कि एक्सेल शीट में फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाते हैं। इन सब के लिए मैंने दिए 20,000, 25,000, 5,000, 10,000 जो जो जितने प्राइस में, तो क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं था तो ऑफलाइन अकेडमी ज्यादा होती थी, ऑफलाइन जाके सीखना पड़ता था, तो आज उन सबका मेरे को फायदा मिला। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर्स, मैंने बहुत जल्दी लाइफ में ग्रो किया, मेरी तनखा बहुत जल्दी बढ़ी, तो ये मेरे लिए एक फ्यूल बन गया, फट 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 मेरी तनखा बढ़ने लगती, फ्रॉम 7 लाख टू 40 लाख आई रीच्ड इन 6 ईयर्स, मतलब 7 लाख की तनखा से स्टार्ट करके 40 लाख की तनखा मैं 6 साल में पहुंच गया था। तो ऑब्वियसली गॉड हैज बीन काइंड, बट डेफिनेटली मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो वो ही मैं सीखता गया और उसमें मैं निवेश करता गया। तो आपने बोला बजटिंग, हाँ, और दूसरा सेल्फ लर्निंग हाँ, नेक्स्ट योर तीसरा पॉइंट है कि एक इंसान, खासकर भारत देश, अमेरिका का सिस्टम थोड़ा अलग है, भारत देश में तब थोड़ा सा सिक्योर महसूस करता है जब उसके पास कुछ पैसे रिजर्व में पड़े होते हैं, थोड़ा सिक्योर महसूस, अचानक से सिक्योर महसूस करने लगा, थोड़ा नहीं जी काफी, हाँ, मतलब हाँ, कुछ मतलब, नंबर होना चाहिए, हाँ, या इवन हमारे घरों में भी, मेरे आपके भी ये सबके लिए है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, खासकर इंडियंस की, राइट। अमेरिकन्स थोड़े से इस मामले में लंबे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपन कुछ प्रॉब्लम में आए तो सरकार ध्यान रखेगी, हमें यहाँ पता है सरकार हमारे कोई ध्यान नहीं रखने वाली, ठीक है, वी आर ऑन आवर ओन। तो उसमें आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी जो भी खर्चे होते हैं, समझो आपका महीने का 20,000 का खर्चा है, तो 5-6 महीने का आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो, आप अभी यंग हो, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, तो आप 5-6 महीने का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो, तो 20,000 तो लाख सवा लाख रुपए का आप एक FD में फंड क्रिएट करते हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाता है कि यार मैं 6 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ बिना किसी नौकरी के भी, विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज इंश्योर योरसेल्फ, आपदा विपदा का कोई पता नहीं होता, तो आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, और ऐसे नहीं कि 1-2 लाख की लो नाम मात्र की, अच्छी लो, 10 लाख रुपए की लो, 10 लाख रुपए कवर की लो, जिसमें हो सकता है आपके महीने का मोटा मोटी 1-1.5 हज़ार रुपए जाए, नो प्रॉब्लम, इट इज वर्थ इट, कल को एक भी फटका लगाना तो जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो जाएगी। यस यस, हार्ट सर्जरी 2019 में जितने की होती थी 2024 में उसकी 2 गुना हो चुकी है, तो यानी कि 14% का इन्फ्लेशन है, तो आप उससे प्रोटेक्टेड रहोगे अगर आपके पास एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपको तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं है, अगर आप पे कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं है तो आप लाइफ इंश्योरेंस मत लो अभी, अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट नहीं, आपकी वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, आपके ऊपर कोई उधार नहीं है, तो आप एक बार के लिए लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान, हाँ टर्म प्लान, टर्म प्लान लेना तो टर्म ही प्लान है, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं लेना, right. यूलिप तो यूजलेस है, सो टर्म प्लान ले लो, बट तब लो जब आपके ऊपर लायबिलिटी हो, नहीं तो लेके तो मतलब नहीं है ना। तो ये नेक्स्ट हो गया, अब ये सब कवर कर दिया ना, अब आओ इन्वेस्टमेंट्स पे, तो पहले जर्नी यहां तक तो तय करो, यहां तक अपनी जर्नी तय करो, फिर इन्वेस्टमेंट्स पे आओ। अब इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं दीपक जी, वो होती हैं गोल बेस्ड, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में वो बताते हैं ना कि आप यहाँ पहुंचोगे तो आपको एक्स चीज मिलेगी, जैसे गाड़ी मिल जाएगी, ट्रिप मिल जाएगा, कहीं पहले दुबई का ट्रिप मिलेगा, फिर यूरोप का ट्रिप मिलेगा, फिर अमेरिका का ट्रिप मिलेगा, वो आपके लेवल्स लेयर्स होते हैं। इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जिस तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अफर्मेशंस दी जाती हैं गोल्स को लेके, उसी तरीके से आपको फाइनेंशियल गोल्स में भी अफर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये कह दिया जी 5 साल बाद मेरे को घर लेना है 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ के घर के लिए मुझे 25 लाख की डाउन पेमेंट करनी, तो 25 लाख रुपए का कॉर्पस मेरे पास 5 साल में होना चाहिए, ये आपका एक गोल हो गया। अब उसके लिए आप एक अलग प्लान बनाओगे, उसके बाद आप बोलोगे जी कि मैं 10 साल बाद, आज मैं 20 साल का हूं, मैं 30 साल की उम्र में शादी करूंगा, जब मैं शादी करूं उस टाइम पे मेरे पास 30 लाख रुपए कैश होने चाहिए ताकि मैं उधार लेके शादी नहीं करूं, तो ये आपका गोल नंबर 2 हो चुका है। गोल नंबर 3 हो गया आज से लेके 25 साल बाद या 30 साल बाद मेरे को चाहिए फाइनेंशियल रिटायरमेंट, ठीक है, आज मैं 20 साल का हूं, मेरे को 45 या 50 की उम्र में एक फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए, तो आपने अच्छा उस टाइम पे कितना पैसा चाहिए वो एक इक्वेशन के हिसाब से हम फाइंड आउट किया, और आपने कहा कि मेरे को 3 करोड़ रुपए चाहिए उस टाइम पे, तो आपने यहाँ नई गाड़ी चालू हो गई 25 साल की जिसमें आपको कुछ पैसा डालना है ताकि आपको 3 करोड़ रुपए आपका एक फाइनेंशियल। अब आपने गोल सेट कर लिया, गोल का रूट सेट कर लिया कि कौन सा असेट में डालूंगा, कितना डालूंगा, ये सब करूंगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, इससे दूर चले जाओ, डोंट इवन लुक एट इट, ये रोज ऐप खोल के कि आज मेरा पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया मत देखो, आप फोकस करो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, आज 30,000 कमाता हूं, अगले साल 60,000 कैसे कमाऊं, उसके अगले साल 2 लाख कैसे कमाऊं, कैसे मैं डायमंड बनूं, वहां फोकस करो, ये इन्वेस्टमेंट्स पे मत फोकस करो, ये आपका काम नहीं है, इट्स नॉट योर वर्क।
जो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, डिसीजन पैरालिसिस में होते हैं, फाइनेंशियल प्रोकेस्टिनेशन में रहते हैं, और वो अपने मेन काम में जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्योंकि स्टॉक मार्केट ना बहुत इमोशनल वो है, रोलर कोस्टर है, कैंडल्स है ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बड़ी रेड, बड़ा ग्रीन, बड़ा ग्रीन हो गया तो बहुत एक्साइटमेंट, अपुनिश भगवान है, बड़ा रेड में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, राइट? तो ये सारी चीजों से दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. सर आज मैं CFA हूं, आई एम इक्विप्ड टू पिकअप स्टॉक्स फॉर माई सेल्फ. मैं खुद स्टॉक्स खरीद सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, बैलेंस शीट्स देख सकता हूँ, सब कुछ मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसके बावजूद भी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं लेता, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डालता हूँ. इतना इंटेलिजेंस, डिग्री, सर्टिफिकेशन होने के बावजूद मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं निवेश करता. तो यू आर नॉट इनटू ट्रेडिंग? नो, आई एम इनटू ट्रेडिंग बट नॉट इनटू स्टॉक्स, आई एम इनटू ऑप्शंस. ओके. और वो भी मैं एक्सट्रीम लार्ज कैपिटल वालों वाला काम करता हूँ. मतलब ये दिन का चुरमुरा काम नहीं करता कि आपके सामने बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, देखा एक बार भी फोन खोल के मैंने कभी ट्रेड देखा, जबकि मेरा ट्रेड एक्टिव है इस टाइम पे, इट्स ऑन, चल रहा है, बट मेरे को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे ट्रेड सेटअप्स ऐसे हैं जिसमें मेरा दिन का 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगता, और मेरे राइट स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, हेजेस लगे होते हैं, तो मैं प्रोटेक्टेड होता हूँ. कभी लॉस हो गया, कभी फायदा होगा तो हम कवर कर लेंगे, हमें आता है खेलना, हमारा गेम है, राइट राइट. और मेरे को सीखते हुए बहुत टाइम हो गया, पर मैं भी वो वाली बॉक्सिंग वाली गेम में नहीं जा रहा कि रोज सुबह बैठूंगा 7-9 बजे, रोज सुबह दिन का गल्ला उठाऊंगा 2,000-3,000 रुपए का. ये ना चूहा वाला अप्रोच है कि जाओ थोड़ा कुछ कुतर के आ जाओ, वो किसी दिन तुम जाले में फंसोगे ऐसा, फिर वापस नहीं आ पाओगे, चूहा ऐसे ही फंसता है. करेक्ट. तो ये मार्केट है ना हम जैसे चूहों को फंसाने के लिए कि आ जाओ, फंसाते हैं तुम्हारे को, क्योंकि खेल तो बड़ा लोग खेल रहे हैं. सो आप एक बहुत छोटे प्लेयर हो इसमें, साइड हो जाओ, दूर हो जाओ, प्लान बनाओ, प्लान को स्टिक रहो. हाँ, आपने प्लान बनाया था कि मेरा 5 साल में 25 लाख होगा, वो 5 में नहीं होगा, 6 में हो जाएगा, नसीब अच्छा रहा तो 4 में हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा. तो अगर मैं समराइज करूँ तो आप ऐड करिए अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो. फर्स्ट थिंग यू सेड, अगर किसी के पास 20-25-30-40 हज़ार रुपए हैं, करियर को उन्होंने शुरू किया है, फर्स्ट थिंग इज नो वेयर यू आर. यस, नो वेयर यू आर. और जब हम ये बोलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए नो वेयर यू आर, मींस फाइनेंशियली, या फाइनेंशियली आप जानिए आप कहां पे हैं, तो आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, कितना आएगा, कितना देना है, खर्चा कितना है. और फिर आपने एक वर्ड पे काफी एम्फेसिस किया, इज बजटिंग. राइट, इज बजटिंग इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. यस. और उसके बाद आ गई बात इंश्योरेंस पे, आपने बात की इमरजेंसी फंड पे. सो लेट मी रीस्टार्ट. ओके, सो नंबर वन इज यू शुड नो वेयर यू आर फाइनेंशियली. कितना पैसा आएगा, कितना देना है अपने पास एसेट्स कितने, लोन्स वोन्स पे हमारी लाइबिलिटी कितनी है, एक्सपेंसेस और बजटिंग. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, राइट? एंड सेकेंड पार्ट पे जब हम आए तो उसमें हमने बोल दिया इमरजेंसी फंड, राइट? सो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई आप पे डिपेंडेंट है नहीं, राइट? तो आप 5-6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस का आपके पास इमरजेंसी फंड की FD होनी चाहिए. नंबर 3, वी केम टू हेल्थ इंश्योरेंस विच यू हाईली रिकमेंडेड. और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आपके पास टर्म प्लान, एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं तो यू कैन स्किप आल्सो फॉर सम टाइम, फॉर द टाइम, टिल द टाइम यू डोंट गेट अ डिपेंडेंट. देन उसके बाद, ये सब करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. और वो भी फिर आपने बोला कि आपके इन्वेस्टमेंट के गोल होने चाहिए कि ये पैसा बचा किस लिए रहूं, कितने साल बाद चाहिए होगा, गाड़ी के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, या आपके फॉरेन ट्रिप के लिए, या आपकी रिटायरमेंट. और उसके लिए फिर आपने व्हीकल चुन लिया, रूट चुन लिया, कितने पैसे उसमें डालने हैं मुझे. एंड आफ्टर दैट यू गेव अ वेरी गुड एडवाइस, इज योर रिकमेंडेशन इज फॉरगेट अबाउट इट, स्टे अवे. आप अपने काम पे फोकस करो, अपना रैंक, अपनी इनकम, अपना बैंक बैलेंस, अपनी बाकी चीजों पे लग जाओ, इसको धीरे धीरे अपना काम करने, राइट? दैट्स इट. और यही मैंने किया है. मतलब दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई हैव डन इट. एंड आई हैव सीन, दीपक जी मैं आपको बताता हूं, आई हैव सीन पीरियड्स ऑफ 5 years ऑफ जीरो रिटर्न्स. 5 साल जीरो रिटर्न्स रहा है, फिर कोविड का क्रैश आया और उसके बाद पैसा 3 गुना हो गया. तो ये जो गेम है ये लॉन्ग टर्म की गेम है, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा नहीं होगा इसमें. आप लंबा खेलो, लंबा खेलोगे तो आपके वेल्थ बिल्ड होगी, और इतनी वेल्थ बिल्ड होगी कि आपकी वो जॉब छुड़वा देगी जैसे उसने मेरी छुड़वा दी. एक दिन आएगा वो वेल्थ आपको बोलेगी कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरे लिए मेहनत कर ली, नाउ लेट मी डू द ऑनर्स, एंड अब मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है. सर मेरे साथ जो लोग पढ़े, ऑल वी वर फ्रॉम वेलिंकर्स, गुड कॉलेज, गुड पेडिग्री, एवरीबॉडी गॉट अ वेरी गुड जॉब, जॉब मिला सबको. सब लोग आज एनीवेयर बिटवीन 4 लाख अ मंथ टू 7 लाख अ मंथ की सैलरी में है. पर अगर उनकी अगले महीने की सैलरी नहीं आई ना, वो मर जाएंगे. क्योंकि जब उनकी तनख्वाह बढ़ रही थी ना, उन्होंने लग्जरीज खरीदी, उन्होंने गाड़ियां खरीदी, EMI खरीद ली, उन्होंने घर खरीद लिया, उन्होंने महंगे बैग खरीद लिए, महंगा लाइफस्टाइल खरीद लिया. मैं अपना टाइम खरीद रहा था. आई वॉज बाइंग बैक माई टाइम.
And how did you do that? I was buying back my time by doing investments. डालते रहो. आपका मन नहीं करता था गाड़ी खरीद लेते हैं? सर देखिए, मैंने ना अच्छा बैग खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं. तो जब मेरे पास मर्सिडीज के पैसे थे, मैंने होंडा सिटी ली. तो फंडा बहुत सिंपल है सर, कि जब भी मैं कोई खरीदने जाता हूँ चीज, तो क्या मैं दो बार खरीद सकता हूँ उसको? इफ आई कैन बाय इट ट्वाइस, आई कैन बाय इट वन. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सर, ये जो दिखावटी है कि मैं लुई विटों की बेल्ट खरीद लूं, लुई विटों का बैग खरीद लूं, ये ना गलत हो जाता है. बिकॉज अगर मेरा इको सिस्टम लुई विटों का नहीं है, तो मेरे लिए वो ब्रांड यूजलेस है. मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ. समझे, किसी के पास लुई विटों की बेल्ट है, बड़ी मुश्किल से उसने मेहनत से 70-80 हजार बचा लिए, और जो सबसे गरीब बेल्ट हो सकती थी लुई विटों की, वो जाके खरीद ली. दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स. आई एम सॉरी, मतलब इफ इट हर्ट्स यू, इट शुड हर्ट यू. दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स. ऐसे ही होता है. अभी कुछ लोगों को जो बीएमडब्ल्यू खरीदनी होती है, तो वो बीएमडब्ल्यू का सबसे लोएस्ट मॉडल खरीद, क्योंकि उनको बीएमडब्ल्यू का ब्लैक चाहिए, ब्लू एंड व्हाइट चाहिए. दे डोंट रियलाइज कि इट इज अ लो यूटिलिटी व्हीकल वर्सेस समथिंग व्हिच यू कुड हैव बॉट इन टोयोटा एट द सेम प्राइस पॉइंट, वुड हैव बीन अ वेरी हाई यूटिलिटी. सिंपल, X1 वर्सेस फॉर्च्यूनर. ठीक है, अब X1 वर्सेस फॉर्च्यूनर, X1 को टच करके उड़ के चली जाएगी. तो आपने यूटिलिटी नहीं परचेज करी, आपने ब्रांड परचेज किया, जिसके लिए आपने गलत प्रीमियम दे दिया. अब आपने बोला, संजय जी मैंने बेल्ट लेनी है, 70,000 की ले ली. अब आप ऑटो से उतर रहे हो, आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, आपका घर 1 बेडरूम हॉल किचन है, ये इको सिस्टम आपका लुई विटों वाला है ही नहीं ना. तो लोग असली लुई विटों को भी बोलेंगे कि नकली है. और आज मैं अगर नकली लुई विटों भी पहनूंगा, यार असली है, आदमी ने सही चीज पहनी होगी, इसके पास पैसे हैं, इसके पास वो इकोसिस्टम है. तो आई थिंक बिफोर यू बाय अ ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड. मतलब बिफोर यू बाय अ ब्रांड, मेक योरसेल्फ अ ब्रांड. कि तुम कुछ भी पहनो ना, उसको सत्य मान लिया जाए. भाई, मेरी पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि मैं बीएमडब्ल्यू से उतरता हूँ, या मैं लुई विटों पहनता हूँ, या मैं बर्बरी पहनता हूँ. ये मेरी पहचान नहीं हो सकती. फिर तो उधार की जिंदगी हो गई ना. मेरी पहचान मेरी होनी चाहिए. ये एंसिलरी चीज है. और अगर मेरे पास उस लेवल का इकोसिस्टम है, मेरे पास राइट गाड़ी है, मैं राइट एड्रेस में रहता हूँ, मेरा घर उस लेवल का है, मैं सही चीजों में, मतलब मैं बर्बरी पहन के मैं उतरूं, मतलब मारुति ऑल्टो से, नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल्टो, बट वो सही इकोसिस्टम नहीं है. तो ना फिर लगता है कि यार ये, और ना उसके बाद है ना, लोग आपको गाली दे रहे थे, तो जिस पर्पज के लिए आपने वो बेल्ट खरीदी थी, मेरे को चाहेंगे, सराहेंगे, उल्टा हो रहा होता है. बोलते यार ये ना वो है, शो ऑफ है, इसको ना इसके पैसे बर्बाद कर, आप ही को गाली पड़ती है. मेरे फादर ने ना 12th में, मेरे को मार्क्स चाहिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली कंपेटिटिव था तब, कॉमन एंट्रेंस नहीं होती थी. तो हमारा PCM जो होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, वही क्राइटेरिया बनता था सिलेक्शन का. तब मेरा क्रिकेट का बहुत शौक था, और तब वो शारजा सीरीज और ये और वो सब बहुत चलता था. तो मेरे फादर ने एक बात बोली, बेटा सचिन के रन बनेंगे ना, पैसे उसके बनेंगे, तेरे नहीं बनेंगे. तो उन्होंने मेरा केबल कटवा दिया, एंड इट वॉज अ वेरी बिग यू नो सैक्रीफाइस माय मदर डिड. अब एक फीमेल है, यू नो हाउसवाइफ है, तो घर पे जाती है, टीवी देखे. पापा ने कटवा दिया. आई ऑल्सो यूज टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग फॉर 500 days. दीपक जी, आई वोकन अप एट 4 AM कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के लिए. 11th and 12th के फाइनल्स के लिए. मेरे घर से ना जब रद्दी निकली थी, 250 किलो की रद्दी निकली थी. इतना मैंने प्रैक्टिस किया था. एंड आई सिक्योर्ड 97% इन PCM. आई वॉज 194th इन बॉम्बे, गॉट इन टू वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो ये सब हुआ लाइफ में. तो ना ये हमारे को समझना पड़ेगा कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों की सक्सेस से अपनी सक्सेस नहीं पा सकते. आपको 500,000 दिन के लिए पागल बनना पड़ेगा. और आपकी जनरेशन में किसी ने नहीं किया ना, तो उल्टा आप पे ज्यादा दायित्व आ जाता है कि somebody has to take the entire family out of misery. कि अगर आपके पिताजी नहीं कर पाए, आपके दादाजी नहीं कर पाए, तो उनकी गलती नहीं है बॉस. आपकी गलती ये नहीं थी कि आप थोड़े गरीब घर में पैदा हुए, पर अगर आप जिंदगी भर गरीब हैं, फिर आपकी गलती है. बिल्कुल सही. देन योर किड्स शुड ब्लेम यू कि भैया मेरे फादर को अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने नहीं किया. So I think ये सब साइड में छोड़ो. अपना बिफोर, एज आई सेड अगेन, बिफोर यू बाय अ ब्रांड, बिल्ड योर ओन ब्रांड. एंड फिर उसके बाद ये सब एंसिलरी चीजें अपने आप आ जाएंगी. और रूल बहुत सिंपल रखता हूँ सर, जो चीज दो बार खरीदूंगा वही एक बार खरीदूंगा. जो मैं दो बार खरीद सकता हूँ, आज अगर मैं मर्सिडीज दो बार खरीद सकता हूँ, तो एक बार खरीद लूंगा. पर अभी मैं शायद दो बार नहीं खरीद सकता मर्सिडीज, तो मैं एक बार भी नहीं खरीदूंगा. मैं कोई नॉर्मल एक लेवल नीचे वाली गाड़ी खरीदूंगा. So I think ये मेरा thought process रहा है, जिसने मुझे मेरा time purchase करने के लिए permission दी थी. आज मेरे colleague, ex friends, ये जो सारे मेरे batchmates थे, they are still working, they are paying an EMI. 20-25 तारीख तक struggle में आ जाते हैं. उनकी life struggle में ही घूम रही है. Because right. It was their decision to choose luxury over buying their time. तो आप decide कर लो. और सर, खुशियाँ 40 में भी उतनी अच्छी लगती हैं, 45 में भी उतनी अच्छी लगती हैं. ऐसा नहीं है कि खुशियाँ सिर्फ 25 में अच्छी लगती हैं. खुशियाँ 40-45 में भी उतनी अच्छी लगती हैं. बिल्कुल सही बात. ये मेरा थीसिस रहा है, जिसने मुझे एनेबल किया है अचीव करने. फैंटास्टिक. ये जो बातें आपने बताई, अगर किसी की इनकम 1 लाख के आसपास हो, तो वो भी ये सेम फॉर्मूलाज है उनके लिए? और यू हैव एनी डिफरेंट टेक ऑन पीपल
who are earning 80,000, 70,000, 1 lakh के आसपास monthly consistently average कर लेते हैं। तो देखिए अगर 1 लाख रुपए वाला है तो आई थिंक आजकल वैसे भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो थोड़ा भी अगर वो लाइफस्टाइल हल्का सा भी इंप्रूव करेंगे तो 40-50,000 उनका मंथली खर्चा हो ही जाएगा, जो मुझे लगता है बेसिक right. भी थोड़ा भी आ जाएंगे, खासकर वो किसी किड्स के साथ है, वाइफ है, कुछ है, परिवार है, तो 40-50,000 तो लाजमी सी बात हो गई आजकल। तो उसके लिए भी सेम मॉडल है, और जो भी इन्वेस्टमेंट्स करें वो गोल बेस्ड हो, गोल इन्वेस्टमेंट हैज टू बी गोल बेस्ड। यस राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात करते हैं ना सर, हमें फाइनेंस में सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे को बोला गया गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, हमारा तो पूरी थीसिस ही गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कि आप देखिए पैसे को पर्पस देना बहुत जरूरी है, पैसे को पर्पस नहीं दे तो पैसा अनाथ हो जाता है और अनाथ पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपने अगर पैसे को बोल दिया बाबू तेरे को मेरे को गाड़ी लेके देनी है तो वो गाड़ी लेके देगा, कि आपने उसको एक पर्पस दे दिया और एक टाइम फ्रेम दे दिया कि आज से 5 साल, जैसे हम स्मार्ट कहते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। सो आपका गोल जो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप जब आप सेट करते हो ना तो आपके न्यूरॉन्स, जिसे हम न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देखता हूं कि इस महीने आप कितना कमाना चाहते हैं, पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो क्या आप 50,000 कमाना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए, तो आप ये हाथ ऊपर करते हैं ना तो वो गोल बेस्ड हो गया। अब वो 50,000 के साथ, अच्छा 50,000 की कमीशन चाहिए तो मेरे को इतना माल बेचना है तो इतनी मीटिंग्स करनी है तो इतनी कॉल्स करनी है, अब ना वो रिवर्स वर्किंग करने लग जाता है, माइंड ऑलवेज स्टार्ट्स विद द एंड, पर अगर आप उसको एंड नहीं दोगे ना तो वो वॉन्डर करता है, तो समझ नहीं आता मैं करूं क्या, कहां जाऊं, क्या करूं, क्या गोल है मेरा, उसको गोल दे दो कि भाई ये नंबर है। अब जैसे मैंने गोल दिया था सर कि मैं 40 में रिटायर होऊंगा, उसके हिसाब से पूरा प्रोग्राम बना, अब मैं 38 में हो गया, क्यों, मार्केट्स अच्छी थी, मार्केट्स खराब होती तो मैं 42 में हो जाता, इतना ही फर्क होता और तो कोई फर्क नहीं होता, बट एटलीस्ट मैंने गोल दिया तो पैसा उस तरफ गया, उस डायरेक्शन में, और उस तरीके से उसने अपने आप को कंपाउंड किया। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बहुत ज्यादा वर्क करती है, और हमारे फाइनेंस में तो हमारा आधार ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑलवेज टॉक अबाउट गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड तो यही हो गया ना, मेरे को 4 साल बाद रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए सर, तो मेरा गोल हो गया, अब मेरे को उस हिसाब से प्लान करना है कि मेरी 1.5 करोड़ की गाड़ी कैसे आएगी। तो दिस इज हाउ यू प्लान योर लाइफ, मेक इट वेरी सिंपल सर। लाइफ में ना हर चीज में हमें सिखाया गया है जितना एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट आएगा, ज्यादा पढ़ाई करोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, नौकरी में ज्यादा देर काम करोगे तनख्वाह बढ़ेगी। तो हमें ये सिखाया गया आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स इज द ओनली प्लेस वेयर आउटकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स। आप जितना एफर्ट मारोगे इन्वेस्टमेंट में, जितनी देर लाइव बैठोगे ट्रेडिंग करने, उतना पैसा हारोगे, बिकॉज आपके इमोशंस अलाउ नहीं करेंगे आपको पैसा बनाना। तो दूर हो जाओ पैसे से, इन्वेस्टमेंट का चार्टर बना लो, चार्टर के हिसाब से अपना पैसा डालो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ये इनकम को 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख करो, ताकि जितना ज्यादा कॉर्पस बचे उतना ज्यादा यहाँ पटको और जल्दी अपना गोल अचीव करो। आपका काम होना चाहिए यहां से यहां का मूवमेंट बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगा, जब वहां का एक्टिव इनकम बढ़ेगा। सर कौन सा आदमी बिना एक्टिव इनकम के आगे बढ़ा है, सारे लोग एक्टिव इनकम से। मैं क्यों ज्यादा डाल पाया, क्योंकि मैं ज्यादा कमाता था, माय सैलरीज वर इन द रेंज ऑफ 70-80 लाख रुपीज, सो आई कुड पुट मोर, इंस्टेड ऑफ समबडी पुटिंग अ 15,000 SIP आई यूज्ड टू पुट 2 लाख SIP, तो मैं जल्दी गोल अचीव कर गया। तो आपको अगर गोल अचीव जल्दी करना है तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट्स की मोहताजी मत करो कि कोई मैं शेयर खरीदूं 100 रुपए का, वो अगले दिन 200 हो जाए, दैट विल नेवर हैपन, उल्टा 100 का 50 हो जाएगा। तो इस सब से दूर रहो, अपना आराम करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने काम पे फोकस करो। ये ट्रेंड शायद मैं देखने लगा हूं लोगों में होने लगा है कि अपने कोर काम से फोकस हटा के दे आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट मनी 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 मनी, राइट, इन्वेस्टिंग ग्रोथ, और ये रातों रात हो जाए वैसा टाइप, और उसकी वजह से they are not realizing कि जिस काम से आज उनको पैसे मिल रहे हैं tomorrow somebody will replace them। और सर लोग उसको गाली देने लग गए हैं, 9 to 5 क्या बोलने लग गए हैं, 9 to 5 का burden, 9 to 5 का, yes I think this is so wrong, yes, मतलब वो 9 to 5 आपको, मेरे को आज 15 साल तो वो 9 to 5 ने इनकम दी ना, हाँ, तो मैं कैसे गाली दे दूं उसको, और हर, और आपके right. शुरू में वो नहीं कंडीशन थी भाई। तो आज भारत में एम्प्लॉयमेंट इज द सिंगल मोस्ट प्रॉफिटेबल वे फॉर पीपल टू ज्वाइन एंड मेक मनी, सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये 9 to 5 ट्रैप, ये सब क्या होता है, दैट इज नॉट अ राइट वर्ड, वेरी ट्रू। मुझे लगता है कि 9 to 5 इज अ स्टार्ट ऑफ योर करियर पॉइंट, यू शुड अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट वेर यू आर, कि भाई आपको एक बंदे ने अपॉर्चुनिटी दिया, आप सीखो, बेहतर करो, उसमें कोई मना ही नहीं है, पर किसी सिस्टम को गाली देना, आई थिंक दैट इज वेरी 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 बैड। शायद मुझे ऐसा लगता है जिसको कुछ और चीज बेचनी होगी ना, या कोई और एजेंडा होगा उसका, और उसको शायद कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करके फायदा होगा, वो ऐसी बात कर लेता होगा, बाकी लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें ऐसे लगने लगता है कि यही बात सही है। इवन आई टेल ऑल दिस पीपल हु आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग आल्सो, कि आप डायरेक्ट सेलिंग हैं
मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं करता है वो सारे लोग बेवकूफ हो गए। सर ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक बार हो चुका है। मेरे एक फ्रेंड ने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करी, वेरी डियर फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज, एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग में तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को ही अप्रोच करते हो। अच्छा, तब हमारे को भी इतनी बुद्धि नहीं थी कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, और पिचिंग का डायरेक्शन हमेशा सबका वही होता है कि भाई आपको डबल ट्रिपल, और ये सिटी बैंक छोड़ के आया, ये फलाना बैंक छोड़ के आ गया, ये देखो नौकरी का ट्रैप है, ये है वो है। तो मैंने नहीं ज्वाइन किया, मेरे पापा ने मना कर दिया, बोले नहीं करना नहीं करना। ठीक, तो मैं 6 महीने निकले थे, एंड ही स्टार्टेड मतलब गेटिंग इन्वॉल्व्ड अ लॉट एंड एवरीथिंग, इंडल्ज्ड हो गया था वो, और तो गालियां देने लग गया कि जो लोग नहीं करते वो गधे होते हैं और ये होता है। एंड आई सॉ दैट, एंड नाउ व्हेन ही फेस्ड ट्रबल्स एंड वी सैट डाउन अगेन, ये देखो यार किसी के भी व्यवसाय को ना गलत नहीं बोलना चाहिए, हर जन का अपना नेचर होता है, कोई लोग कर पाएंगे, कोई लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, इट्स अ गुड ट्रेनिंग ग्राउंड, नो डाउट, बट आई डोंट थिंक सो पीपल हैव द राइट टू अब्यूज एनीवन कि तू ये क्यों कर रहा है। नहीं, कैन यू बिकम अ फौजी, एवरीबॉडी, कैन यू बिकम, कैन एवरीबॉडी बिकम अ डॉक्टर? नहीं। और लाइक इफ यू आस्क मी कैन आई बिकम अ सीएफए लाइक यू एंड कैन आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, मैं बिल्कुल नहीं बात कर सकता उसके बारे में, क्योंकि वो आपका व्यवसाय नहीं है। हाँ, आपका मेन मतलब, नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रेनर नहीं है, हाँ, और जो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है वो, हाँ, सब खराब है। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो। एक बार मैंने एक मंक से पूछा कि आप मंक क्यों बने, मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है। तो बोलते कि आप एक आर्मी वाले से जाके पूछो, उसने आर्मी क्यों ज्वाइन की, उसको पता है कभी भी गोली लग सकती है। तो ये चॉइस है लाइफ में, कोई मंक बनेगा, कोई आर्मी वाला बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई जॉब करेगा, कोई फ्रीलांसिंग करेगा, दीज आर ऑल चॉइसेस and individual choices, everybody is a right, to koi galat nahi hota, koi sahi nahi hota isme. Now there are two things which I want your, aap thodi roshni dali hai un cheezon pe. One is portfolio of investments, to wo kaise decide hona chahiye ki hame kis tarah ki investments ka portfolio banana chahiye, right? So answer starts again with goal based investing. To maine goal pe aapko ispe ek thesis de deta hu. Thesis ye hai ki jitna aapka goal chhota hai, matlab time 2 saal 3 saal 5 saal, utna aapko equity se dur rehna padega. और थोड़ा पैसा 30-40% के आसपास इक्विटी में जाएगा। अभी हम फोकस करते हैं सेफ इक्विटी, यानी कि या तो इंडेक्स करेंगे या लार्ज कैप करेंगे, इस तरीके से करेंगे। बहुत छोटा 5% का हिस्सा स्मॉल कैप में जाएगा। स्मॉल कैप से ना लोगों को अभी ज्यादा रिटर्न्स बने हैं, पर मैंने देखा ना स्मॉल कैप में 6-6 साल कोई रिटर्न्स नहीं दिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आई नो, मतलब आई कांट, पीपल विल कमेंट, पीपल कमेंट मी सर आप 5 साल का प्लान स्मॉल कैप तो डाला ही नहीं आपने, सर स्मॉल कैप देखो ना निपॉन का सबसे ऊपर चल रहा है। मतलब यार तू पोर्टफोलियो बना रहा है और तेरा टाइम देख 5 साल का, अचानक से अगर 20% का क्रैश आ गया ना तो 10 लाख छोड़ 5 लाख भी नहीं निकाल पाएगा। पहली चीज ये हो गई। तो फर्स्ट इज टाइम फ्रेम, द शॉर्टर द टाइम फ्रेम द लेसर द इक्विटी यू शुड ओन। पॉइंट नंबर टू, जैसे आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है तब आप इक्विटी ओन करो। तो 10 साल का टाइम फ्रेम है तो हम पैसिव फंड्स रेकमेंड करेंगे, लार्ज कैप फंड रेकमेंड करेंगे, और 5% स्मॉल कैप को बढ़ा के 10-15% कर देंगे। फिर भी हम 20-30% ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखेंगे जो थोड़ा फिक्स्ड इन नेचर है, ताकि शॉक अब्सॉर्बर, ये शॉक अब्सॉर्बर है। तीसरा आगे आपका 25 साल का होराइजन है तो हम कोई शॉक अब्सॉर्बर नहीं रखते। क्यों जरूरत है, जब 25 साल का आपने टाइम ही ले लिया तो आपको शॉक अपने आप अब्सॉर्ब हो जाएगा। और जब आप 25 साल का टाइम लेते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये पैसे मुझे 25 साल बाद चाहिए, अभी मेरे को चाहिए ही नहीं, टच नहीं। आप सिर्फ कमिट कर रहे हो, इनफ्लो का कमिटमेंट दे रहे हो, आउटफ्लो हम 25 साल बाद देखें, तब तक आपको शांति रखनी है। सर मेरे 10-10 साल के ऐसे ही हो चुके हैं, 10 इयर्स इनटू द प्ले मैं आज एक ऐसे ही 10-10 साल से कर रहा हूं, एंड आई हैव सीन द बेनिफिट्स, ऊपर भी देखा नीचे भी देखा सब देख लिया। तो ये हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का थंब रूल है, द लॉन्गर यू हैव the more you can focus on equity, okay, and the longer you have the more you can focus on small cap mid cap, because small cap mid cap agar 3-4 saal ke liye dhoka bhi de denge to sudden rise deke aapko cover kar denge, par agar aapne time frame 4 saal pakad liya aur usi 4 saal mein wo doob gaye to fir aapka goal nahi achieve hoga. To ye portfolio management ka golden rule hota hai. Second cheez hai, portfolio mein agar aapko real estate dalna hai, logo ko man karta hai real estate, तो एक तो वो रेंट वर्सेस बाय है वो अलग चीज़, पर अगर को लगता है रियल एस्टेट डालना है एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कहीं भी मैं श्रीराम का भक्त हूँ, अयोध्या बन रहा है मेरे को, एक वहां पे 500 गज का प्लॉट लेना है, वो 1 करोड़ का प्लॉट है, तो पहले आप ये समझो कि अगर आपका 1 करोड़ का प्लॉट है तो एक तो वो उधार पे मिलता नहीं है प्लॉट, या फिर 40% आपको खुद का डालना पड़ेगा, तो क्या आपके पास आज 40 लाख है? पहली पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट इज द मोस्ट इलिक्विड असेट इन दिस वर्ल्ड, कि कल को बेचने गए तो अचानक से बिकता नहीं है, ठीक है, टाइम लेता है। तो और ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपके पास कोई घर है तो आपने बाथरूम बेच दिया, टॉयलेट बेच दिया, हॉल बेच दिया, ऐसे नहीं बिकता। इट इज सोल्ड लाइक अ यूनिट।
Whereas mutual funds can be sold in micro units also. If I own 30,000 units of a mutual fund, I can sell 1 unit. 2 units, 5 units, 10 Absolute. Units, 20 units, 100 units. ठीक है? तो फटाक से मेरे पास लिक्विडिटी आती है, अगले दिन आ जाती है. तो आपको रियल एस्टेट में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हो, जब आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता ना हो और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन हो मिनिमम 5 से 10 साल का. अगर आपका ये होराइजन है तो आप प्लीज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ गुड एसेट. चौथा एक और चीज इस पे जोड़ लो, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज हो, यानी कि आपका कोई दोस्त है यार जो डीएम है, या समझो कोई अच्छे गवर्नमेंट विभाग में, वो बता रहा है यार यहाँ से ना हाईवे कटने वाला है, ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ ग्रोथ होगी. फिर भी वो होने के बाद भी पहले 3 रूल अप्लाई करते हैं कि लिक्विड होना, लिक्विडिटी होनी चाहिए आपके पास, वो लंबे समय के लिए आप उसको होल्ड कर सको, और मतलब आपको वो पैसा इमीडिएटली चाहिए ना. वो रूल तो हमेशा रहेगा, वो रूल ओवरराइड नहीं होगा. हाँ, पर अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज आती है तो आपका पैसा मल्टीप्लाई जल्दी हो सकता है. बिल्कुल सही, देयर इज अ गुड चांस. तो ये मैं रियल एस्टेट को लेके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कहता हूँ. इसके अलावा बहुत लोगों को मन करता है कि हम मटर गश्ती करें कि सर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, सब करने का मन करता है. तो मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 90 मील्स होती हैं, 90 बार खाना खाते हो, बाहर कितनी बार खाते हो, 5 बार, 10 बार, तो 10% बाहर खाते हो, 90% घर पे खाते हो. घर पे क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी. तो 90% आपका पोर्टफोलियो दाल चावल रोटी सब्जी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स, 10% मटर गश्त, बाहर जाओ बिरयानी खाओ, और इसमें सब आ गया बाकी सब. तो अब आपका कैपिटल अगर 1 करोड़ है तो आपके पास 10 लाख रुपए है, करो मटर गश्त किसने बना के. मेरे पास अगर 10 करोड़ का कैपिटल है तो वो मेरा नंबर 1 करोड़ हो जाता है, मैं 1 करोड़ से मटर गश्ती करूंगा. तो आपकी मटर गश्ती आप कितनी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपने कैपिटल कितना बना लिया. अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप 10 करोड़ से मटर गश्ती करो, 90 करोड़ को सेव करो, 1 करोड़ है 90 लाख को सेफ रखो, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालो, बच्चे में 10 लाख से मस्ती करते रहो, कोई चक्कर नहीं है इसमें. सेम रूल अप्लाइज टू मी, मैं भी यही करता हूँ. जो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, पूरे कैपिटल का 10% है. कल को एक सिंगल वाइप आउट आ गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दाल चावल सिक्योर है, बिरयानी से हाजमा खराब हो गया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, हो जाता है. इवन जो स्टॉक्स में भी आप लगाने को कह रहे हो वो होगा म्यूचुअल फंड्स, 90% उसका रहेगा म्यूचुअल फंड्स में, 10% रहेगा डालना ही ना. अच्छा, डायरेक्ट स्टॉक्स में तो डालना ही नहीं है, और अगर डालोगे तो हम उसको फिर वो 10% वाली मटर गश्ती में डाल देंगे कि आपका मन करे तो 10% आज खरीदा, आज खरीदा कल बेचा, वो जो करना है वो 10% की मटर गश्ती है. राइट, क्योंकि हर इंसान में जुआरी है. राइट, हर इंसान में कंपल्सिव जुआरी है, मन करता है आदमी का जुआ को. हाँ हाँ, खेल लो यार, क्या प्रॉब्लम है. मैं किसी की जी, अब मैं लोगों को हर चीज के लिए मना करूंगा तो मेरे को मात नहीं करना है, तुम कौन होते हो मना करने वाले. रूल दे देते हैं, जैसे मैं श्रीलंका रहता था दीपक, तो वहां ना कैसीनोज है श्रीलंका में, तो मैं ना सैटरडे रात को 2000 रुपए लेके जाता था श्रीलंकन, वॉलेट घर पे छोड़ के जाता था और 2000 की एक पन्नी लेके जाता था, और वहां गए, 2000 रुपए उसको दिए, उसने कॉइन्स दिए, खेला, जैसे वो कॉइन खत्म हुए निकल गए घर और आ गए. तो ये थी मटर गश्ती. कभी वापस लेके आए थे आप वहां से? हाँ, वो है, जैसे ऐसा, पर ऐसा नहीं है कि मैं 2000 का 4000 लेके आया, मैं 2000 का बचा हुआ 500 लेके आ गया, 600 लेके आ गया, ऐसा हो गया. 2000 का डबल ट्रिपल कभी नहीं हुआ. ओके, देखो वो अगेन ना कैसीनो से आप नहीं जीत सकते. राइट राइट, कैसीनो से नहीं जीत सकते, और ना मैंने सीखा है कैसीनो में खेलते. मैं मस्ती के लिए, प्योर मस्ती के लिए जाता था, गए मस्ती करी, दोस्त लोग हैं वहाँ पे, सब वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं अपना खाना पीना खा रहा हूँ, जो भी जो करना चाहता है उस टाइम पे कर सकता है, और थोड़ा बहुत कभी रूले खेल लिया, कभी 21 खेल लिया, कभी वो हैंडल 3 बार ऊपर नीचे कर रहे, तो आपका मस्ती थी. तो मस्ती कैपिटल आपके लाइफ में होना चाहिए, इट कीप्स यू हैप्पी, ठीक है. बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% मस्ती. अच्छा, अभी क्या हो गया ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉब्लम ये आप उधार लेके ट्रेड करने लगे हो, दैट इज डिजास्टर. तो आपका कैपिटल तो गया ही गया, आपने दूसरे का भी कैपिटल खराब कर दिया, अब आप पे बोझ हो गया, अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई. क्योंकि मैं जैसे एक बच्चे को जानता हूँ, 22 ईयर ओल्ड, सैलरी 25,000, 75 लाख रुपए के उधार में है, क्योंकि उसने लोगों का 75 लाख लेके FNO किया था और खत्म हो गया पैसा. अब वो कैसे वापस कर सकेगा? इट इज इम्पॉसिबल. तो वन रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन कैन सेट यू बैक बाय 10-15 ईयर्स. तो मेरा मानना यह है कि ये सब आप ट्रॉमा से बचो. जो चीज आपका काम नहीं है ना वो मत करो. आपका काम है अपनी एक्टिव इनकम को ग्रो करते रहो, उस पर फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो, और इन्वेस्टमेंट्स को गोल बेस्ड करके एलोकेशन करके छोड़ दो. बस आपको मोटा मोटी जिस टाइम तक का अचीवमेंट होगा, भगवान की कृपा रही उससे पहले हो जाएगा, थोड़ी कम कृपा रही तो 1-2 साल बाद हो जाएगा, पर हो जाएगा. जब आप ये म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो क्या सारे म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर जाएंगे अगर होराइजन मेरा 5 साल का है? हाँ, अगर आपका होराइजन 7-8 साल का है तो सारे म्यूचुअल फंड्स आपको एक अबव एवरेज रिटर्न, अबव एफडी रिटर्न देंगे. ये ऑलमोस्ट पक्का जैसा मान लें. कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे पास 10 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 ऐसे होते हैं जो
एवरेज जो मेरे बाकी छह साथ हैं उनसे कम परफॉर्म कर, तो कई बार अंदर से आवाज आती है इसको स्विच कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो लाइक इन म्यूचुअल फंड्स कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन चूजिंग म्यूचुअल फंड्स और स्विचिंग, और यू नो ये ऊपर नीचे होता है जो मंथली बेस पे हमें स्टेटमेंट में दिखता है, तो हाउ डू वी हैंडल दैट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कहा कि आप दूर रहो इन सब चीजों से। सेकंड ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली नंबर वन नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ना कोई सबकी थीसिस होती है सर, सब इन्वेस्टमेंट वर्क्स ऑन थीसिस, तो सबकी कोई थीसिस होती है। कोई बोलता है मैं स्मॉल कैप में ज्यादा डालूंगा, कोई बोलता है स्मॉल कैप में मैं ईवी में ज्यादा डालूंगा, तो हर फंड की ना अपनी थीसिस होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फंड मैनेजर। इसलिए काफी लोग ना इस थीसिस के क्लटर को कट करने के लिए प्योर पैसिव निफ्टी 50 में डाल देते हैं कि यार कोई दिमाग लगाना ही नहीं, जो निफ्टी 50 लगा है ना वही डाल देंगे। पर फिर क्या है कि निफ्टी 50 ना आपको अल्फा रिटर्न्स नहीं दे पाता, मतलब थोड़े बेटर रिटर्न्स नहीं दे पाता, वो एक एवरेज आपको 12-14% का बिल्कुल सही बात देगा। देन दे वांट टू शॉप, दे वांट टू शॉप ऑन फंड मैनेजर जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब परफॉर्म किया तो आप 1-3-5 साल का रिटर्न्स देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो पहली चीज तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी 1 ईयर बेसिस पे आप डिसीजन मत, मिनिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स जरूर देखो। सेकंड है म्यूचुअल फंड में कॉन्सेप्ट है, आप लोग सर्च कर सकते हो, उसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न्स। आपको रोलिंग रिटर्न्स चेक करने हैं, वो कैसे चेक करने हैं वो भी मैं बता देता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक, ये ना मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूं। Okay. तो रोलिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 5 साल पकड़ लिए, ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपने देखा ये 5 साल में फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि तीसरे साल उसके कोई एक शेयर ने बंपर परफॉर्मेंस दे दी, तो ये तो हो गया गेम ऑफ चांस कि बाय चांस आपका कोई एक शेयर अच्छा दे गया, ठीक है। तो पहले एक साल 16% रिटर्न था, फिर 16% रिटर्न था, फिर 40% रिटर्न आ गया, फिर वापस 18% आ गया, फिर 18% आ गया, तो एवरेज में ये 24% रिटर्न आ गया। पर क्यों आया, क्योंकि कोई एक शेयर ने एक साल परफॉर्म कर दिया। पर दूसरी तरफ एक और म्यूचुअल फंड है जो 22%, 22%, 23%, 25%, 24% ऐसे रिटर्न्स दिए उसको, वो भी 24% दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में से बेटर कौन है? सेकंड वाला बेटर है। तो हम क्या करते हैं, रोलिंग रिटर्न्स चेक करते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स से ना हमें कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड मैनेजर पता चल जाती है कि क्या वो कंसिस्टेंटली पैसा बना पा रहा है या फ्लूक में कोई एक तुक्का भिड़ गया भाई। तो यहां पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस जब आप लगाते हैं तो आप राइट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। और कोई भी म्यूचुअल फंड आपने लिया, नॉट नेसेसरी कि वो कैटेगरी का बेस्ट रहेगा, इट शुड बी परफॉर्मिंग अबव द बेंचमार्क। आप कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो या उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर लेने का डिसीजन लेते हो तो आप उसको बेंचमार्क के साथ कंपेयर करो। हर म्यूचुअल फंड अपना बेंचमार्क बताता है okay. तो मेरा कंपैरिजन होगा किससे, कहते हैं ना अंडर 50 रेसलिंग, तो आप एक अंडर 50 वाले को अंडर 52 वाले से या अंडर 55 वाले से नहीं कंपेयर कर सकते, बोले यार इन दोनों का भिड़ंत करा, वो ऐसा नहीं होता। तो जैसे कोई स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप फंड को आपको स्मॉल कैप के इंडेक्स के साथ कंपेयर करना, राइट कोई और ये फंड बताता है मैं अपने आपको इससे कंपेयर करने वाला हूं, तो उससे क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है कि ठीक है इंडेक्स, उसके इंडेक्स ने, उसके बेंचमार्क ने 14% रिटर्न दिया पर इसने 18 दिया, तो गुड, ही इज डूइंग वेल। फिर इतना ज्यादा मत सोचो, अब किसी ने 19 भी दिया होगा, किसी ने 17 भी, दैट इज नॉट इन योर हैंड। तो इफ इट इज बीटिंग द बेंचमार्क एंड इट हैज गुड रोलिंग रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रोलिंग रिटर्न्स, स्पाइक्स नहीं है, तो फिर हमें स्विच करने के बारे में या किसी चीज के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। एंड व्हेन यू लुक एट पीपल, वी हैव टॉक्ड अबाउट गुड थिंग्स वी शुड डू, वी शुड डू, वी शुड डू, हैव यू कम अक्रॉस सम पैटर्न्स की ये गलतियां हैं जो लोग कर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस में? तो जो चीजें करनी चाहिए वही वो करते नहीं, तो सबसे पहले तो वही चीजें, नोइंग वेयर यू आर एंड ऑल दीस थिंग्स, राइट। सेकंड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव थॉट दैट दे हैव बिकम बैंक्स। इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त ने मुझसे 20,000 मांगा, मैंने दे दिया, दूसरे दोस्त ने 30,000 मांगे, दे दिया। अबे तुम बैंक हो क्या, तुम्हारा नाम HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, क्या है? फिर वो रोते हैं क्योंकि दोस्त ने एक बार पैसा ले लिया वापस तो करता नहीं है, 99% चांस कि दोस्त से पैसा आएगा नहीं वापस, ठीक है। आई थिंक हमारे सबकी जिंदगी में ये हो चुका है, मेरे भी हो चुका है, आपके भी हो चुका है, सबकी जिंदगी में कुछ एक राइट ऑफ लेना पड़ता है आदमी। तो आप क्यों लेना चाहते हो, आपका काम बैंक का नहीं है, कोई भी आपसे पैसे मांगे आप मना कर दो, या फिर अपना तो जो आप देखे भूल जाओ कि भैया ठीक है कोई चक्कर नहीं है, गया गया तो गया, नो प्रॉब्लम। ये पैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं, बोल रहे हो? उधारी के। अच्छा, तो दोस्त आ जाते ना कि यार इसके पास तो पैसा होगा, इससे 5,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, ऐसे डर लगता है कि दोस्ती खराब हो जाएगी अगर पैसे होनी है। पहले दोस्ती खराब होनी है, बाद में दोस्ती और हेल्थ दोनों खराब होनी है, तो आप चूज कर लो, या फिर आप उसे कोलैटरल ले लो, बोला ठीक है तू 5,000 लेके जाना चाहता है, 1 ग्राम सोना छोड़ दे चलो। तो पॉइंट ये सर कि मैं मानता हूं ये इमोशंस खराब है, लोगों को लगता होगा कि यार ये कितना जल्लाद जैसे आदमी है, पर ऐसा नहीं है सर, लोगों को मैंने डूबते देखा है। दोस्तों को पैसा दे दिया, आज भीख मांग रहे दोस्तों से, दोस्त पैसा वापस नहीं कर रहे, वो घर नहीं चला पा रहे। तो उतना पैसा दो जितना आप राइट ऑफ कर सकते हो। भाई आपने अगर महीने में 1,00,000 बचा लिया, आपको लगता है 5,000 मैं हर महीने भूल सकता हूं,
तो साल का 60,000 का कॉर्पस है, इस 60,000 से जो दान चंदा करना है करो, ठीक है ना, यही वही मस्ती वाला कैपिटल है, उसी का पोर्शन पकड़ लो, या उसमें 10% की जगह उसको 15% कर लो और इसमें से उधार भी दे दो, कोई चलता नहीं। अगर आपने इसको अपना 50-60% कैपिटल बना लिया तो आप बहुत बुरे हालत में आ जाओगे, क्योंकि पैसा वहां से वापस आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। जिस दोस्त की ये हालत हो गई है ना कि उसको आपसे बार के मांगना पड़ रहा है, तो प्रोबेबली ही इज नॉट गेटिंग मनी एनीवेयर एल्स, सो देयर इज अ गुड चांस कि ही हैज काइंड ऑफ उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, एंड यू आर इज लास्ट करेक्ट। लाइक ये पर्सनल फाइनेंस की पहली गलती, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी हाल में आपने अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को उधार नहीं देना, देना उतना है जितना हो सको, भूल हाँ, सको, भूल जाओ राइट, फिर भूल जाओ, उनसे वापस भी मत मांगो राइट, उनकी मर्जी होगी दे देंगे, नहीं तो आप उसको चंदा समझ के छोड़ देना। सेकंड है कि कभी भी उधार लेके निवेश नहीं करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कब आएंगे हमें पता नहीं, पर उधार की ईएमआई रोज जाएगी, महीने महीने जाएगी। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कब आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन उधार की ईएमआई हर महीने जाएगी, दिवाली पे भी जाएगी, होली पे भी जाएगी, संडे को भी जाएगी, रात को 10 बजे भी जाएगी, तो 24/7 काम करता है ईएमआई, आपसे करवाता है रदर। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है कि उधार लेके कभी भी आपको निवेश नहीं करना। तीसरा टिप्स, बिल्कुल नहीं सुनना किसी की भी, देते हैं प्लीज इन सबसे दूर रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी पंप एंड डंप स्कीम चल रही है, कौन अपना बंदर आपके पीठ पे पटक रहा है, कौन आपसे मोनेटाइज करवा रहा है, आप उसकी स्ट्रैटेजी जानते नहीं हो, वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अंदर तो कर देगा हाँ हाँ, पर बाहर से लेके आएगा आपको, आपके पैसे फंस जाएंगे, आप स्ट्रेस में आओगे, ट्रॉमा में आओगे, दूर रहो ये सब हम कर चुके हैं हाँ, पर भगवान की इतनी कृपा रही कि हमारे लिए वो 10% कैपिटल में था, तो हमने कभी भी 10% के कैपिटल से ऊपर नहीं खोया, तो हमने वो फोकस रखा था कि 10% में ये सब सर्कस चलता रहे जिंदगी का, तो 90 तो अब वो लर्निंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब हम 10% भी नहीं करते, क्योंकि उतनी क्लैरिटी आ गई है कि इससे कुछ ही नहीं होता, देयर इज नो Absolutely zero advantage from this. तो why should I waste my time? मैं अपना पागल जैसा समय क्यों खराब करूं? ये mutual fund है, sir, ये वो game है जिसमें कछुआ जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा, कछुआ ही जीतेगा, धीमे धीमे चलते चलते वो आराम से नंबर वन पहुंचेगा। अगर आपने अपनी निवेश की जर्नी 25 साल की कर दी तो आप भारत के टॉप 1% में आ जाओगे सिर्फ निवेश के एंगल से, क्योंकि 99% लोग वो कर नहीं पाएंगे। और इसमें अमाउंट आप कितना सोचते हैं, आदमी एक एवरेज अच्छा आदमी, अब 20 साल के लिए मैं म्यूचुअल फंड्स को कंपाउंड करता हूँ राइट, आज मेरी 31 साल की एज है, मैं चाहता हूँ कि 50 के आसपास तक मेरे पास अच्छा कॉर्पस हो जाए, तो कितना एक अमाउंट इज अ गुड अमाउंट, मतलब एज एन आउटपुट या मेरे हिसाब से 2.5-3 करोड़ रुपए अगर मेरे पास हो एट द एज ऑफ 50 इज अ गुड अमाउंट, बहुत अच्छा अमाउंट है, बिकॉज बाकी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप तो घर के खर्चे निकाल ही रहे हो, सब कुछ कर ही रहे राइट, तो अचानक से आपने 50 की उम्र में आंख खोली और देखा कि आपके पास 3 करोड़ फालतू पड़े हुए, तो वो तो आपको बहुत पावर दे देंगे ना, और 3 करोड़ अगर 20 साल बाद के भी है ना सर, तो भी उसकी आज की वैल्यू टर्म्स में वो 50-60 लाख रुपए है, तो क्या आज आपके पास 50-60 लाख है, आपके पास 20-25 हजार ही है ना, तो आप 20-25 हजार से आज का 50-60 लाख भी क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से। अगर लोग कहते हैं इन्फ्लेशन होती है सब, बिल्कुल होती है, तो हो सकता है 20 साल बाद का 2 करोड़ जो है वो आज 60 लाख है, 20 साल का 3 करोड़ जो है वो आज 90 लाख 1 करोड़ के रेंज का, तो पर आपके पास आज तो 90 लाख और 1 करोड़ नहीं है, तो क्यों चिंता कर रहे हो। अब सर मैं आपको एक और सिंपल मैथ बताता हूँ, देखिए जब तक लोगों को ना नॉलेज नहीं होगी, कन्विक्शन नहीं होगा ना, वो कभी भी अपना ये रूट को फॉलो नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब समझिए अगर मेरे पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, आज वो 1 करोड़ का हो गया ठीक है, और मैं 40 का हूँ, एक उदाहरण लेते हाँ 12% का रिटर्न पकड़ते हैं ठीक है, यानी हर 6 ईयर्स में डबल हो गया ठीक है जी, ठीक है हर 6 ईयर्स में डबल हो जाएगा 12% के रिटर्न के हिसाब से, अगर मैंने और नहीं इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, तो मैं 46 की उम्र में ये 2 करोड़ होगा ठीक है, 52 की उम्र में ये 4 करोड़ होगा राइट, और 58 की उम्र में ये 8 करोड़ होगा ये ठीक है, और 64 की उम्र में ये 16 करोड़ होगा, और 70 की उम्र में ये 32 करोड़ होगा, कुछ ना किए बिना, आज से 32 गुना कर दूंगा मैं अगले 30 साल में कुछ ना किए बिना। बट ये इतना पक्का है कि हम रिटायर हो सकते हैं ऑन ए पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सम पीपल से SWP आल्सो दे टॉक अबाउट दैट, तो SWP तो सबसे पावरफुल टूल है, और मैं आज से करूं म्यूचुअल फंड की सिप शुरू, और आज से 15-20 साल के बाद जब मैं रिटायर होने का मेरा मन है तो मैं उसका SWP कर दूं, अल्टीमेटली है ये वही यही मैथ है ना हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि SWP आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ना म्यूचुअल फंड में यूनिट्स आप कम ज्यादा जो मन करे उसके हिसाब से निकाल सकते हो, और सर आप अगर मेरी पूरी बात पे कोई मान रखे तो मैं एक तरफ क्या बोल रहा हूं उसको कि अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, तो जब आप 50 के हो जाओगे आपके पास 3-4 करोड़ का फंड होगा,
पर भाई साहब आपकी एक्टिव इनकम भी तो 3-1 लाख 4 लाख रुपए महीना होगी, हो सकता है ज्यादा हो। और अगर 3-4 लाख की आपकी कमाने की क्षमता है तो आप उस फंड को छुओगे ही नहीं, बोलोगे चलते रहने दे यार, क्या फर्क पड़ता है। और सर नियमित होना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो खर्चे हैं, ये खर्चे करना तो सबसे आसान काम है, चेक लिखना तो सबसे आसान, पैसे कमाना मुश्किल है। तो आप अपना नियमित रहो, आपका जो बजट अलाउ करता है वो करो। कल को आपका बजट मर्सिडीज पे खरीदने को अलाउ करेगा आपको, तब खरीद लो। आज खरीदोगे तो तब की फ्रीडम नहीं खरीद पाओगे, बस ये मेरा पॉइंट रहता है कि सैक्रिफाइस योर टुडे अ लिटिल बिट। जैसे वो डेनियल गोल्डमैन ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे छोटे बच्चों को एक रूम में डाल दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को उन्होंने बुक किया डेनियल। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबको मार्शमेलो दे दिया, मार्शमेलो पसंद है बच्चों को, वहां पे मीठा होता है। बोला कि रुको यार 15 मिनट में आता हूँ, जो 15 मिनट रुक गया मैं उसको चॉकलेट सॉस भी दे दूंगा। तो वो जैसे ही निकले तो कुछ बच्चे ऐसे देखे, कुछ भी तो खा गए, छोड़ना क्या, वो कुछ ऐसे ऐसे देखे, कुछ चाट रहा है, मतलब बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं। 15 मिनट बाद वो आए और सबने सबको चॉकलेट दे दी, और जैसे ही चॉकलेट दी तो बाकी जिन्होंने खा लिया तो उनको रिग्रेट हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ बड़ी गलती हो गई लाइफ में। तो बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया गया कुछ सालों बाद, तो देखा गया कि जिन्होंने चॉकलेट सॉस के लिए वेट किया था उन्होंने लाइफ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वालों की लाइफ हमेशा लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगी, नहीं तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है उसको अच्छा लगे जिसने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, बट जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन रखेगा वो हमेशा फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, चाहे वो कम पैसों के साथ ही क्यों ना हो, पर वो फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ जिएगा। यू नो इट्स एन आयरनी समटाइम्स आई फील, जितने भी लोग फाइनेंशियली फ्री होने की बातें करते हैं, मैंने उनको अक्सर अपने पैसे को बेकार की लग्जरीज पे खर्च करते हुए भी देखा है, क्योंकि सर वो उनकी एस्पिरेशन है। और देखिए वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, एक्चुअली जो वेल्थ होती है ना इज समथिंग व्हिच यू डोंट सी। आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा वो रियल वेल्थ है ना, पर आप और मैं देख नहीं पाते, ठीक है, मैं आपकी वेल्थ नहीं देख सकता ना, आई डोंट नो व्हाट इज लाइंग इन योर बैंक अकाउंट, नीदर डू यू नो व्हाट इज लाइंग इन माय बैंक। हम क्या देख पाते, दीपक बजाज जी ने कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, दीपक बजाज जी कौन से घर में रह रहे हैं, कौन सी घड़ी पहन रहे हैं, किस तरह के कपड़े जूते पहन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं कि दीपक जी के अपीयरेंस और एक्सटर्नल जो चीजें हैं उसके बेसिस पर उनकी वेल्थ असर्टन करते हैं। अब मेरे एक्सटर्नल के बेसिस पे कोई वेल्थ असर्टन करेगा, बोले यार ये तो बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत ही नॉर्मल है, मतलब नॉट सुपर रिच, बट नोबडी हैज एक्सेस टू माय बैंक अकाउंट। तो और योर पोर्टफोलियो, और माय पोर्टफोलियो, मतलब सेम थिंग, दिस इज माय टोटल व्हाटएवर एसेट्स आई हैव, व्हाटएवर एसेट्स आई हैव, दे डोंट हैव एक्सेस टू दैट, सो दे डोंट रियलाइज हाउ वेल्दी आई एम बिकॉज दे आर जजिंग मी फ्रॉम माय एक्सटर्नल अपीयरेंस। करेक्ट। तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से मत जज करो। हमारे यहाँ बॉम्बे में, खास जब मैं बॉम्बे बहुत चल रहा हूँ, तो बॉम्बे में तो आपको कोई नॉर्मल बरमूडा और टी शर्ट में दिख जाएगा, वो 1,000-2,000 करोड़ का आदमी होता है, और वो वहाँ पे टैक्सी, लाल पीली टैक्सी पे, लाल काली टैक्सी पे, पीली काली टैक्सी, यस यस, मतलब उसकी गाड़ी भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पार्किंग का चक्कर है, बोले छोड़ना यार अपन पीली काली में चले जाते हैं या पैदल पैदल चले जाते हैं। तो यू डोंट नीड टू मेजर पीपल्स वेल्थ बाय लुकिंग एट देम, बिकॉज वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। बट ओवरऑल डू यू सी ऑन, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया रियल वेल्थ is disappearing and this fake kind of wealth is popping up a lot, and you know more discussion on this, more talk on this is happening, and the younger generation khas taur pe are being more influenced by that. So dekhiye maine wohi kaha na ki FOMO is the first thing which people need to control. Dekhiye agar teen cheeze aapko financially discipline karni hai to teen cheeze aapko karni hai immediately. One is FOMO hata do, second is regret hata do, because regret leads to financial procrastination. Okay, can you explain this? मैं समझा। मैंने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, 130 में बेच दिया, आज वो 170 हो गया, तो मुझे क्या होगा, रिग्रेट। अब इस रिग्रेट की वजह से ना मैं आगे कोई शेयर खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि एंकरिंग बायस हो जाता है इसमें, आपको लगता है यार अब वो 130 आएगा ना तभी मैं खरीद पाऊंगा, अब मार्केट गिरेगी ना तभी मैं खरीद पाऊंगा, थोड़ा मार्केट के लिए वेट कर लेता हूँ, अब वो 170 से हो गया 300, अब और एंकरिंग बायस आ गया। तो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोकेस्टिनेशन। तो पहली चीज है आप अपना फोमो मत करो, दूसरा है आप रिग्रेट मत करो, मार्केट्स आर टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट, टेक योर लर्निंग्स एंड गेट इन वंस अगेन, इट्स ओके, ठीक है। जैसे जॉब में भी होता है, ऐसा नहीं है कि यार कोई बैड डे अगर एट ऑफिस है या बैड डे एट वर्क है या बैड मंथ एट वर्क है, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई, जस्ट पिक योर सेल्फ अप, लर्न व्हाट मिस्टेक्स यू डिड, करेक्ट इट एंड मूव अहेड, ठीक है। और तीसरी चीज है कि अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट को मत बदलो। आज अगर आपको लगता है कि 20 साल बाद का आपने 2.5 करोड़ का गोल बनाया तो उस पर स्टिक रहो, ये नहीं है कि अचानक से 3 साल बाद लगे नहीं यार अब ये 2.5 को 5 कर देता हूं, फिर आप कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट को चेंज मत करो, क्योंकि गोल पोस्ट चेंज करते हो ना तो अनसर्टेनिटी होती है, और अनसर्टेनिटी होती है तो कभी भी हैप्पीनेस नहीं आती। तो ये 3 चीजें कर दो, कि फोमो मत रखो, रिग्रेट मत रखो, और गोल पोस्ट मत चेंज करो।
लाइफ विल बी अमेजिंग सिंपल, एकदम इतनी सिंपल हो जाएगी ना, फिर आपका 100% फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होगा, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे, कि रोज हम काम क्यों कर रहे हैं, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे। ओके, वेरी क्विक टेक ऑन दिस, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, दो वर्ड्स हैं उन पे आपकी क्विक टेक, वन इज क्रेडिट कार्ड एंड सेकंड इज IPOs। ओके, क्रेडिट कार्ड इज एन अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, आई थिंक सबको क्रेडिट कार्ड यूज करना आना चाहिए। देखिए, जब आप सिबिल आपका नहीं होता, सिबिल इज द स्कोर जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, तो सिबिल जब नहीं होता तो आपको, आप सिबिल चालू कैसे करते हो? तो सिबिल जब नहीं होता ना, आपका स्कोर -1 होता है, तो दैट डजंट मीन कि आप नेगेटिव हो, दैट मीन्स द सिस्टम डजंट नो यू। भाई आज दीपक जी और संजय जी एक दूसरे को नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपसे कोई बिजनेस करने आऊँ और मैं आपसे कोई माल खरीदूँ, तो आप बोलोगे संजय जी पहले पैसे दो यार, आई डोंट नो यू। पर मैं 4 ट्रांजेक्शन अगर आपके साथ पहले पैसे में कर दूँ, बोलो यार आदमी ठीक है, तो संजय जी वील एक्सटेंड 7-day क्रेडिट टू यू, ऐसा हो जाएगा। फिर 7 दिन बाद भी टाइमली बेसिस पे वैसा, संजय जी वी आर एक्सटेंडिंग 15-day क्रेडिट टू यू, या फिर हम पहले आपको 1,00,000 का क्रेडिट देते, अब हम आपको 3,00,000 का क्रेडिट देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर दिख रहा है आपको। इसी तरीके से हर व्यक्ति को सिबिल, बैंक्स को अपना बिहेवियर दिखाना पड़ता है। पर अगर आपके पास शुरुआती -1 है, क्योंकि आपको सिस्टम जानता नहीं, तो आप बिहेवियर कैसे दिखाओगे? ओनली वे टू शो इट इज थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 की आप FD कर लो, उस 10,000 के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उस क्रेडिट कार्ड को आप यूज करो और उसको यूज करके उसका टाइमली बेसिस पे पेमेंट करोगे, तो सिस्टम में आपका सिबिल स्कोर बनने लग जाएगा, 700, 750, 800 इस तरीके से बनने लग जाएगा। तो बेसिकली आपका सिबिल बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड में माइल्स और ये सब बहुत मिलता है आपको, फ्री पॉइंट्स, तो उसका अगर हैक आप सीख लो तो वो भी बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाता है। और तीसरा ये देखो, एट द एंड ऑफ द डे तो आपको 40-45 दिन का क्रेडिट मिल ही रहा है ना, तो अगर आप अपने थोड़ा कंट्रोल कर सको, नियमित कर सको अपने आपको, और ये रूल सेट कर लो कि जितना लिमिट है उसका 40% ऊपर नहीं खर्च करूंगा, तो यू आर गुड टू गो, अमेजिंग। और फोमो में मत खर्च करो, आई थिंक, है ना? तो देखो, पहला वो 3 कई बार, हां वो आपने मुझे बोल दिया, चलना ही है, फोमो के बिना ही करना है। द बिगर इशू इज BNPL, बाय नाउ पे लेटर, बिगर इशू इज बाय नाउ पे लेटर, यस यस यस। क्योंकि क्या है ना कि अचानक से आप जाते हो और आपको आईफोन दिखता है, आपको लगता है यार ये तो बाय नाउ पे लेटर है, मेरे को ब्याज भी नहीं देना, मेरे को 6-12-8 में देना है, तो आप एक लाइबिलिटी बांध ली। फिर आपको लगा नहीं यार ये साउंड बार भी बहुत अच्छा है, मैं ये भी ले लेता हूँ, अच्छा यार टीवी नया है वो भी ले लेता हूँ। आज आप सोचो, सर मैं 2016 में टीवी लिया था, आज 8 साल हो गए टीवी नहीं बदला, क्या जरूरत है? क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई जो मेरे एक पिक्चर को बहुत एक्सट्रीम एनहांस कर देगी? ठीक है, फोन मेरा iPhone 12 Pro Max आज 16 लॉन्च हो गया, पर कुछ वो लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे, तो मैं किस बात का नया पैसा दूं? तो आई थिंक यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फोमो, एंड पीपल हु यू विल सी वेरी हैप्पी आर आउट ऑफ फोमो, उनको ये सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला, उनकी लिस्टेड कंपनी है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, द गाय ओन्स दैट लिटिल फोन, वो नोकिया 3310, तो इसी से काम चल जाता है मेरा, व्हाट्सएप वाला मैंने सेक्रेटरी के पास है वो कर। पीपल यू नो, ये सब मेजर नहीं है सकते, पहले आप ये समझ लो, ब्रांड्स आर मेड टू पे प्ले ऑन पीपल्स वल्नरेबिलिटीज, कि मेरे को awesome दिखना है, मेरे हाथ में गुच्ची होना चाहिए, मेरे हाथ में प्राडा होना चाहिए, या फिर लुई विटों होना चाहिए, तो दे प्ले ऑन योर इनसिक्योरिटीज। अगर आप उन इनसिक्योरिटीज से ऊपर उठ चुके हो, ये सब दीज थिंग्स डोंट मैटर। इवन आई हर्ड समवेयर कि सुधा मूर्ति जी, शी सेड इन एन इंटरव्यू कि मैंने पिछले 30 साल में एक भी नया साड़ी नहीं खरीदा। मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार एक एक्सरसाइज करी, इससे बहुत अच्छी बात याद आई मुझे। मैंने एक बार अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज करी, मैंने सबको कहा कि भाई एक काम करते हैं, आपके पास जितना सामान है ना, उसमें से वो सारा सामान निकालो जो आपने पिछले 1 साल से छुआ भी नहीं है। एंड इफ यू हैड 100 units, मे बी इट वॉज शर्ट, ट्राउजर, फॉर फीमेल्स इट वुड बी ड्रेसेस, बैग्स, लड़कों के लिए और एक्सेसरीज, जो भी था, आप अपने घर में छानबीन करो और जो सामान 1 साल से ऊपर नहीं छुआ है, मुझे बताओ, अगर आपके घर में 100 यूनिट है तो इतने, ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? फॉर गाइज द आंसर वॉज 60%, मतलब 60% टू आइटम्स उन्होंने 1 साल से ऊपर से छुई नहीं है, और लड़कियों के लिए नंबर 80-90% था। ठीक है, ऑब्वियसली दे आर मोर इंपल्सिव शॉपर्स। तो मैंने बोला, भाई अगर तुमने 1 साल से नहीं छुई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू टच इट अगेन? तो ये तो तुम्हारे लिए बोझ हो गया ना, तो ये सारी शॉपिंग जो तुमने करी थी ये तो यूजलेस निकली। अब आगे जाके जब शॉप करते हो ना, तो अपने थीसिस बना लो। जो फॉर एग्जांपल, मैं जब 1 साल की शॉपिंग करूंगा, तो मुझे पता है मेरे को साल भर में 10 ट्राउजर्स, 20 शर्ट्स, 3 सूट्स, 2 शूज, इतने सॉक्स और ये सब चाहिए, तो एक पैकेज बनता है। वो पैकेज है ना, मुश्किल से 2,00,000 रुपए का होता है, और अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव करें ना, 2,50,000 का हो जाता है। दैट्स इट। पर अगर मैं रोज जाके, चल आज करते हैं शॉपिंग, जाते मार्क्स एंड स्पेंसर उठा कर, यार ये अच्छा नया नया है, सो यू आर पर्पसलेसली शॉपिंग, आपका पैसा खराब होना ही होना, एंड देन अगेन यू विल बी सिटिंग ऑन आइटम्स व्हिच यू डोंट रिक्वायर। वॉरेन बफे यहाँ कहते हैं ना कि इफ यू बाय थिंग्स व्हिच यू डोंट रिक्वायर, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज रिक्वायर। एब्सोल्युटली, मत करो ये सब। राइट, एंड एनी टेक ऑन IPOs, लाइक लॉट ऑफ पीपल, यू नो, ऐसा फील आता है कि यार IPO में लिया तो इंस्टेंट मनी और वो वाली बातें लोगों को समझ आती है। IPO की एक थीसिस है,
जो अच्छा है वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। अभी इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, पेटीएम सबको मिला था, जितना अप्लाई किया उतना मिल गया था, 2150 में अलॉट हुआ था, आज 500 रुपये का चल रहा है, ठीक है ना, मतलब वो इट हैज़ नेवर टच्ड 2150 अगेन। तो तभी लोगों को समझ आ गया था ठीक नहीं है मतलब शेयर, और जितने भी बाकी आए थे वो बहुत अच्छे थे, उनको डबल डबल हुए पर वो अलॉट ही नहीं हुए। तो ये विनेबल गेम ही नहीं है। अगेन देखिए, मैं डिक्लटेड रहता हूँ, मैं तो आईपीओ अप्लाई नहीं करता। मैं क्यों सर, अगर स्टीव जॉब्स ये कहते थे कि भाई मेरे को नहीं डिसीजन लेना, मेरे को सुबह काली शर्ट और ब्लू जीन्स पहननी है, मेरे को डिसीजन नहीं लेना, सर मेरे को डिसीजन नहीं लेना लाइफ में, आई वॉन्ट टू बी क्लटर फ्री, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, मेरी इन्वेस्टमेंट की रेलगाड़ी बंधी हुई है, और मैंने जैसे बताया 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 हो जाएगा बिना कुछ किए। तो मैं वो फोकस करता हूँ ना, ये आईपीओ में 14,000, 1-2 लाख डालूंगा, 15,000 की अलॉटमेंट होगी, 15,000 का डबल भी होगा तो 30,000 होगा ना, क्या मेरे को कौन सा वो सुपर अमीर बना दे। पर अगर वो 15,000 का 7,500 हो गया तो मैं स्ट्रेस में रहूंगा, अरे यार पैसे डूब गए, गलत हो गया, 10 लोगों को जाके कहानी बताऊंगा, अरे यार देख मेरे साथ क्या हो गया, देखिए बेकार शेयर था, आई टू डू ऑल दिस थिंग, डीक्लटर्ड। Wonderful. You have cleared lot of confusions and you know. But I'm very counterintuitive. generally सुनना चाहती हूँ वो मैं बोलता नहीं हूँ. Correct. No, but सुनना चाहता कि investment से कैसे पैसे double कर ले, triple कर ले, वो बना ना मेरे को ही नहीं आता, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? You know, sometimes we as influencers और वी हैज़ थॉट लीडर्स, वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को वो ना कहें जो वो सुनना पसंद करते हैं, हम उन्हें वो बताएं जो उन्हें सुनना चाहिए, राइट? एंड देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर फुलफिलिंग। और इस पूरी आज की डिस्कशन में अगर ऐसी कोई चीज़ बच गई हो संजय जो आपको लगता है ज़रूरी थी और आज हमने कवर नहीं की, और एनी लास्ट टिप और कंक्लूडिंग रिमार्क यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? तो आई थिंक जो आपने लास्ट वर्ड बोला बस टिप से दूर रहेंगे टिप से दूर रहेंगे, जो स्मार्ट, आई थिंक थैंक यू सो मच सर, योर क्वेश्चंस वर गुड, हम लोग ने बहुत अच्छे चर्चाएं कर ली, लोगों को जो अपनी तरफ से मैं बेस्ट बता सकता था मैंने बताया, yeah, it was wonderful. मैं वो कहते ना, मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ, दैट मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जैक्टली वट आई हैव डन एंड विच हैज हेल्प मी अचीव वट आई हैव डन। अगर मैं कह रहा हूँ एक्टिव इनकम पे फोकस करो तो मैंने भी किया था, अगर मैं कह रहा हूँ पैसिवली इन्वेस्ट करो दिमाग मत लगाओ, मैंने भी वही किया है। If you see my portfolio, it is decluttered portfolio. तो मेरा ना life has been very simple, built around very simple principles. But simple principles आप तभी रख सकते हो जब आपकी long term thinking होती है। अगर आप short term thinking करोगे तो देखिए, मैं ना हमेशा कहता हूँ दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिनको boxing बहुत पसंद है तो ring में घुसेंगे, 2 मिनट का time होगा, ये धनाधन ले धनाधन punch मारने हैं, पढ़ने हैं, बचना है, knockout से बचना है और बाहर आएंगे। ऐसे लोग जीत भी जाएंगे ना तो मुंह सूजा हुआ होगा, okay. बिल्कुल चल गया, यू चोज दैट, यू चोज दैट पार्ट, राइट? यू नो ये होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इट इज लाइक अ बॉक्सिंग मैच, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देयर आर अदर पीपल हु आर गोल्फर्स, आराम से पहला शॉट लेने से पहले आंधी तूफान हवा कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर अपना शॉट लेंगे, ठीक है ना, उनका मुंह टूटता है फिर भी वो गेम जीतते हैं। तो मैं आई एम अ गोल्फर, आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ कि मैं रोज रोज की बॉक्सिंग नहीं कर सकता, वो मेरा पर्सोना नहीं है। द ओनली गुड वन थिंग आई एम गुड एट इज आई कैन इंक्रीज माय एक्टिव इनकम, मैं उस पर फोकस करूंगा। द वन थिंग आई विल कीप माय सेल्फ अवे फ्रॉम इज माय इन्वेस्टमेंट्स, वो होती रहेंगी। तो आप पहले अपने आप को पहचान लो कि आप एक बॉक्सर हो कि एक गोल्फर हो। अगर आप बॉक्सर हो तो फिर बॉक्सिंग वाला गेम खेलो, अगर आप गोल्फर हो तो बॉक्सिंग वाला गेम मत खेलो, बहुत बुरी तरह पिट के आओगे। दिस इज इट, दिस इज लास्ट स्टेटमेंट, वंडरफुल यार। सो ये हमारे साथ थे संजय जी और हमने बहुत सारी बातें की। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपका मिथ था आज से पहले, शायद आप उसे सच मान के चल रहे थे और आज वो संजय जी ने तोड़ दिया, और या फिर कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आज के बाद आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, पर्सनल फाइनेंसिस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा। और आप सबकी तरफ से यू नो लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, टन्स ऑफ थैंक्स टू संजय कथुरिया जी फॉर शेयरिंग हिज यू नो टन्स ऑफ विजडम विद अस एंड दैट ऑल्सो सो कैंडिडली, यू नो सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच।